बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग। असीं अवां जी ख़िदमत में हाज़िर थी चुका आहियूं। प्रोग्राम जो नालो आहे सलाम सिंधु। मुंहिंजो नालो आहे इरशाद जागीरणी, मूंसां गॾु साथी मेज़बान आहे। ऐं मुंहिंजो नालो आहे प्रहस सैयद। सुबुह जो सलाम, उमेद आहे अवां सभु ठीकु हूंदा, मज़े में हूंदा, ऐं अव्हांजो अॼु जो ॾींहुं ॾाढो सुठो गुज़री रहियो हूंदो। असां सभु दुआगू आहियूं तव्हांजो अॼु जो ॾींहुं ॾाढो सुठो गुज़रे। ऐं इरशाद, ॾुख जी ॻाल्हि इहा आहे त कराची में मतलबु हिन महीने में वेझिड़ाई में जेको आहे उहो टियों ब्लास्ट थियो आहे। बिल्कुलु बिल्कुलु। जंहिंमें हिकिड़ी औरत ज़ख़्मी थी वई आहे, 12 ॼणा जेके सॉरी हिकिड़ी औरत जेका आहे उहा हलाक थी वई आहे, 12 ॼणा ज़ख़्मी, ऐं काफ़ी गाॾियुनि खे जेको आहे उहो नुक़सान पहुतो आहे। ऐं यकीन करियो, जेका मूं वीडियो ॾिठी हुई, जेका वायरल थी आहे चैनल्स ते ऐं यूट्यूब ते, ऐं जॾहिं मूं सिंध टीवी न्यूज़ ते बि उहा जॾहिं वीडियो ॾिठी, त यकीन कयो हिकिड़ो जीअं न चवंदो आहे त अंदरि खे फाड़ण वारी वीडियो हुई, जंहिंमें ॿार चए पियो त अम्मा उठ, अम्मा उथ, अम्मा उथ। ऐं उहा जेका माउ हुई उहा उथी न सघी कॾहिं, ऐं जी उहा कर्ब वारी जेका हालति हुई, उहो ॿारु चवंदो रहियो मुसलसिल, अम्मा उथ, अम्मा उथ, अम्मा तूं छो नथी उथी, ऐं उहा माउ करे उथी न सघी। सही, हाणे ॻाल्हि हिते इहा कंदासीं त माण्हू चवनि था त अमुन अमान जी सूरत हाल ठीकु कीअं कजे। मुंहिंजी राय इहा आहे त पाण जेकी हिते रहंदड़ आहियूं, असुल जेकी रहंदड़ आहियूं, कॾोका जेकी रहंदड़ आहियूं, उहे अहिड़े क़िस्म जी का बि हरकत नथा करे सघूं। हाणे जेके असां वटि धारिया अचनि था, जेकी ॿाहिरियां माण्हू अचनि था, उन्हनि ते असांखे नज़र रखण जी ज़रूरत आहे, ऐं उन्हनि खे वॉच करण जी ज़रूरत आहे त उहे कहिड़ी एक्टिविटीज़ कनि था। ख़ासि तौर ते असीं रहम दिलि बि ॾाढा थी वेंदा आहियूं, महिमान नवाज़ बि ॾाढा थी वेंदा आहियूं, चवंदा आहियूं ठीकु आहे पंहिंजा भाइरनि हलिया अचनि ॿियनि मुल्कनि वारा बि। सो जेकी ॿिया माण्हू ईंदा आहिनि, ॿिया मुल्क न, ॿियनि सूबनि वारा माण्हू बि असां लाइ वेलकमिंग थींदा आहियूं। असां पंहिंजा बॉर्डर्स हमेशह खोले रखंदा आहियूं, पोइ COVID-19 जो टाइम हुजे, हिजरत जो टाइम हुजे, को बि टाइम हुजे, असां पंहिंजा बॉर्डर्स हमेशह खोले रखंदा आहियूं। त बराए महिरबानी इहा ई असां गुज़ारिश कंदासीं त तव्हां भले वेलकमिंग थियो, तव्हां सभिनी खे वेलकम करियो, पर इन शइ जो ख़्यालु रखो जेके रहवासी आहिनि उन्हनि जा हक़ जेके मजरूत। मूंखे वरी इन ॻाल्हि में वरी ॾुखु अञा वधीक थींदो आहे, जेके असांजा चूंडियल नुमाईंदा आहिनि उहे असांजे दिलि जी कैफ़त न सम्झी सघंदा आहिनि। उहे सिर्फ़ु वोट वठण जे चकर में कॾहिं कॾहिं ईअं कंदा आहिनि त बाबा जेकॾहिं बंगालियुनि खे असां हेतिरा कार्ड ॾेई छॾियासीं त कहिड़ो मसइलो थी पियो, अफ़गाननि खे जेकॾहिं असां पाण वटि रहायोसीं ऐं 20 लख जेकॾहिं आबादी थी वई अफ़गाननि जी हिते त पोइ छा मसइलो थींदो। असांखे को एतिराज़ु न आहे, पर ॻाल्हि इहा आहे, सिर्फ़ु एतिराज़ु इन ॻाल्हि जो आहे त इहे माण्हू तव्हां न सुञाणो न असां सुञाणो। उन्हनि माण्हुनि ते कड़ी नज़र रखण जी ज़रूरत आहे, उन्हनि माण्हुनि खे ईअं छुड़वाग छॾे ॾियण जी ज़रूरत न आहे। ऐं उहे तव्हां ॾिसो था त पाण वटि कीअं असां वटि अफ़रा तफ़री बि थिए थी, असां वटि जेकी हितां जा असलूका रहवासी आहिनि उन्हनि सां विढ़ांद बि थिए थी, उन सां झेड़ो बि थिए थो। पाण अमुन पसंदि माण्हू आहियूं, असां ॾिसंदा आहियूं त पाण वटि झेड़ो झटो घटि ई थींदो आहे, ॿिया माण्हू पाण सां ॾाढो कंदा आहिनि, जबर कंदा आहिनि ऐं पंहिंजे मथां मुसलत थियण जी कोशिशि कंदा आहिनि। सो इन ॾिस में वरी बि के जोगा उपाउ वठण जी ज़रूरत आहे। सरकार खे गुज़ारिश कंदासीं त जेको आर्ज़ी तौर जो जेको फ़ाइदो आहे उन फ़ाइदे जे चकर में पंहिंजे मुल्क खे, पंहिंजे देश खे, पंहिंजी मिटीअ खे खाम खां ख़राबु न कयो ऐं पंहिंजे वतन जी रखवाली कयो, पंहिंजे देश जी रखवाली कयो। ईंदड़ वक़्तु तव्हांखे ज़मीर वारो माण्हू थी करे तारीख़ में पेश करे, बाज़मीर माण्हू थी तव्हां पेश थियो। ईअं न थिए त को ईअं चवे त को कायर हुयो जेको चूंडियल नुमाइंदो हुयो असांजो। सो वरी तव्हांखे गुज़ारिश कंदासीं त अखि पटियो, पंहिंजे ॻोठ जी, पंहिंजे शहर जी, पंहिंजे मुल्क जी मालिकी कयो। मालिकी न कंदव त पूरा वाकिया थींदा। बिल्कुलु, इरशाद, सिर्फ़ु इहा बि ॻाल्हि न आहे त असां उन्हनि जो उन्हनि ते नज़र रखूं त हू कहिड़ी एक्टिविटीज़ में मुबतला आहिनि, पर असां जेके शहरी आहियूं ऐं असल जेका असांजी नेशनैलिटी आहे हिते जी, या असांजा जेके हक़ आहिनि उहे मजरू थी रहिया आहिनि। अवां पाण ॿुधायो त इकोनॉमी में जेकॾहिं हू बि अची करे या को बि दुकान लॻाइनि था या गाॾा लॻाइनि था, जेके शयूं हलनि पियूं उहे शयूं थियनि थियूं, त असांजो पंहिंजी शइ किथे थी वञे? असांजी इकोनॉमी जेका आहे उहा डिवाइड थी रही आहे, असांजी पंहिंजी सिंध जी जेका इकोनॉमी आहे उहा डिवाइड थी रही आहे। असां बार बार इहा ई ॻाल्हि चवंदासीं, असांखे पाणी न पियो मिले असांजी सिंध में, असांखे सिंध जो पाणी चवण जो इहो आहे त असां वटि पहिरियों अॻ में ई रोज़गार जा वसीला घटि आहिनि। पाण पंहिंजी जेका आहे जनरेशन जेका आहे उहा ई अॻ में ई गणती जो शिकार आहे। बुख बदहाली बेरोज़गारी पाण वटि वधीक आहे, ज़ाहिर आहे घर जा भाती वधंदासीं त पोइ अनाज बि ओतिरो खपंदो, ओतिरो ई खपे, असांखे ओतिरो ई समर साण हुजे। पोइ असां पहिरियां ई ॾेवारे जो शिकार आहियूं त ॿियनि माण्हुनि खे कीअं पाले सघंदासीं, ॿियनि माण्हुनि खे कीअं वठी सघंदासीं, कीअं पाण उन्हनि खे अडॉप्ट कयूं? ॻाल्हि सम्झ खां ॿाहिरि आहे। सो थोरो अकुल जो मुज़ाहिरो करणु घुरिजे हुकुमराननि खे बि। ऐं आउं त ॾिसां थो त एतिरी आबादी कराची जी वधी वई आहे, पर जो अॻे ईअं न हुयो, मतिलबु असां घर में निकिरूं था पोइ कहिड़ो बि टाइम हुजे, ईअं नथो चवां त सुबुह जो टाइम आहे, वर्किंग मतिलबु टाइम आहे, माण्हू वञनि था ऑफिस त हिते रश हूंदी, मंझंदि जो वञो, शाम जो वञो, कराची में हिकु जॻह खां ॿी जॻह ते पहुचण जे लाइ जेकॾहिं तव्हांखे 20 मिंटनि जो सफ़र तय करिणो आहे त तव्हांखे 2 कलाक पहिरियां, 1.5 कलाक पहिरियां निकिरणो पवंदो। माना इहा हालति आहे ट्रैफिक जी, माण्हू एतिरा थी विया आहिनि, हेॾे माण्हू, होॾे माण्हू, जाॾे काॾे माण्हू, एतिरी रश, एतिरी ट्रैफिक, काॾो आया माण्हू,
एतरा पे न हूँ हुआ कुछ साल पे पा दूँ था कराची रोड कुशादा उ कुछ साल में एतरा मू ए आबादी तकड़ में क्या रोड भी कुशादा मानून की एतरी लोध अलग किथा आई है अनोन मू मिलन था सही। रोडन ते, रस्तन ते, उहे मानू जेके असां जे नसल वटाइना आहिन असां जे नसल मां आहिन आहिन बिल्कुल बाहर खां आयल मानू आहिन उन्हनि जो पूरो हक थी वियो आहे पूरे कराची ते जेकरे चऊं कब्ज़ो थी वियो आहे पूरे कराची जा जेके रिसोर्सिस आहिन उहे उन्हनि जी तरफ़ वञी रहिया आहिनि यकीन करियो ॾुख थींदो आहे जॾहिं असीं इहे शयूं ॾिसंदा आहियूं असां बिल्कुल ईअं नथा चऊं असां वेलकमिंग नथा थियूं असां बिल्कुलु वेलकमिंग थींदासीं असां उन्हनि जो ख़्यालु रखंदासीं पर असांजा जेके बि वॾा आहिनि जेके गवर्नमेंट में जेके अथॉरिटी में असां सिर्फ़ु चई सघूं था असांजो कमु सिर्फ़ु इहो आहे तव्हांखे चवणु अवां जो इहो कमु आहे त इन शइ ते ध्यानु ॾियो ऐं इन शइ खे ॾिसो त ऐं जेकर इरशाद अॼु जी ॻाल्हि करियूं असां त अॼु जो जेको ॾींहुं आहे उहो हाइपर टेंशन जो ॾींहुं आहे असां इहे जेके ॻाल्हियूं अवां सां शेयर कयूं जेके असां टेंशन में इहे ॻाल्हियूं कयूं त अॼु जो ॾींहुं बि हाइपर टेंशन जो आहे हाइपर टेंशन जे करे ॿियो को नालो ॿुधायां तुंहिंजो आहे हाई ब्लड प्रेशर ऐं तव्हांखे ख़बर आहे हाई ब्लड प्रेशर जी वजह सां जेके घणे खां घणो असां वटि डेथ रेशियो जेको आहे उहो हाई ब्लड प्रेशर जी वजह सां थिए थो ऐं कार्डियो जेको वेस्क्यूलर डिज़ीज़ आहे उहा बि हिन जी वजह सां ई थिए थी अच्छा ॿी वरी हिकिड़ी ॻाल्हि मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त इन ॾिस में जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जो को मरीज़ आहे त उनजी हिकु त निगरानी पाण कयूं उनजी सार संभाल रहूं ॿियो छा थींदो आहे त ब्लड प्रेशर जो मरीज़ जेकॾहिं उनजो शूटअप थिए थो ब्लड प्रेशर त पोइ असां उनखे फौरी तौर ते जॾहिं डॉक्टर ॾे वठी वेंदा आहियूं त पोइ उनखे बराए महिरबानी पंधु न कराईंदा कयो उनखे खणी वेंदा कयो पाण खे वरी पंधु कराईंदा आहियूं त उनजो जेका रत जो दौरानियो आहे या गर्दिश आहे उहो वधीक अञा थी वेंदी आहे सो अहिड़नि मरीज़नि खे उन वक़्तु पंधु करण खां बि डॉक्टर मना कंदा आहिनि सो पाण वटि वरी इहो बि आहे त कई माण्हुनि खे इहा ख़बर न आहे त उन वक़्तु मरीज़ खे छा खाराइजे छा पीआरजे के चवंदा आहिनि त बाबा हाणे कान का शइ हिनखे खारायो त सही थी वेंदो हाणे उहा शइ थी सघे थो त हुनजे लाइ फ़ाइदेमंद न बि हुजे डॉक्टरनि जी सलाह मशवरे खां सवाइ कुझु न करणु कयो ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे ब्लड प्रेशर जेको मरीज़ आहे उनखां जेकी हू दवाऊं खाए थो घर वारनि खे इन ॾिस में ख़बर हुजणु घुरिजे त हू कहिड़नि मेडिसन्स ते आहे मतिलबु कहिड़ियूं दवाऊं कहिड़ियूं टेबलेट्स वठंदो आहे छो त अचानक जेकॾहिं हू ख़ुदा न ख़ासि था बेहोश थी वञे थो त पाण डॉक्टरनि खे फौरी तौर ते ॿुधाए सघूं त हीअ हीअ मेडिसन्स हीउ वठंदो रहंदो आहे ईअं न थिए त डॉक्टर वरी उनखे ॿियो डोज़ बि ओड़ो ई ॾेई छॾनि त हू रहंदो उनजी हयाती ख़तरे में पइजी वञे थी सघे थो त पहिरियां उहो डोज़ वरितो हुजे सो इहा घर वारनि जी ज़िमेदारी आहे त उनजे बारे में सॼी मालूमात रखनि त असांजो जेको पेशंट आहे ब्लड प्रेशर जो उहो कहिड़ी मेडिसन वठंदो आहे ऐं कहिड़े टाइम वरिती हुयईं डॉक्टरनि ॾे जॾहिं माण्हू वञे त उनखे ॿुधाए माण्हू त ही ही शयूं ही वापराईंदो रहे थो हाणे वधीक तबियत नहीं ख़राबु आहे हाणे इन खां वधीक तव्हांखे छा करणु घुरिजे इहो तव्हांजो बिल्कुलु खुलासो इहो ई आहे त असांखे पंहिंजनि प्यारनि जो ख़्यालु रखणु खपे असांखे ॾिसणु खपे तू कहिड़ी एक्टिविटीज़ में मुबतला आहिनि ऐं इहा शइ बि ॾिसणु खपे त हाई ब्लड प्रेशर छो पियो थी छो जो जेका बि शइ असां वटि थींदी आहे असां वटि रूनमा थींदी आहे उनजा पुठियां कारण हूंदा आहिनि ईअं का बि शइ नाहे थींदी त जी बिल्कुलु असां वटि जेके फास्ट फूड खायूं था ट्रांस फेट जेके चइजे थो उहा असां घणो यूज़ करियूं था जी उन्हनि शयुनि खे जेको आहे उहो अवॉइड करियो उन खां अलावा फिज़िकल एक्टिविटी में तव्हां अचो असां वटि ईअं हूंदो आहे त लिफ्ट लॻियल हूंदी आहे त असां हिकु खां ॿिए फ्लोर ते बि नाहियूं ईंदा असां नई सीढ़ियूं केरु चढ़े असां वटि लिफ्ट लॻियल आहे लिफ्ट जी तव्हां ॻाल्हि कई असां जेकॾहिं कंहिं छोकिरे खे चऊं था न भाई वञी ॾेई वठी आहे माना घर जे भरिसां दुकानूं तॾहिं मोटरसाइकिल चाबी ॾियो वञा खुदाई सड़ाई पंधु जो थो वञे हा उहा ई ॻाल्हि तव्हां घणे या घणो जेका फिज़िकल एक्टिविटी आहे उनमें तव्हां हिसो वठो ऐं WHO ऐं यूनाइटेड नेशन्स वारनि बि ॾाढो सुठो हिकिड़ो क़दम खयो आहे त 2016 खां इहा शइ थी हुई त असां 25% जेका आहे उहा जेका हाइपर टेंशन चवां या हाई ब्लड प्रेशर खे कंट्रोल करण लाइ त उहे काफ़ी जेके 5 टेक्निकल शयूं हुयूं उन्हनि खे इस्तेमालु जीअं तव्हांखे मूं ॿुधायो त फिज़िकल एक्टिविटी में थियो या तव्हां जेके आहिनि उहो ट्रांस फेट खे अवॉइड करियो ऐं उनखां अलावा टबैको जेको यूज़ करियो था उनखां अवॉइड उनखे अवॉइड करियो त उन सां जेको आहे 2025 ताईं जेको आहे न उहो अव्हांजो हाई ब्लड प्रेशर में काफ़ी रिडक्शन थी सही सही हाणे मां तव्हांखे ख़ुशख़बरी वारी ख़बर ॿुधायां भला अख़बार जी 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 रोज़ानी जी अख़बार आउं पढ़ंदो आहियां पहिरियां बि पढ़ंदी थोरी देरि में पर मां तव्हांखे सभ खां वधीक सुठी ख़बर तव्हांखे ॿुधायां उहा इहा आहे त मेवनि जो बादशाह अंब पची तयारु बाग़नि में जेको आहे सो पटाई शुरू पाणी खोट पैदावार घटि लहण जा इम्कान आहिनि सो अंबनि जा फ़ोटोज़ बि ॾाढा सुठा सुठा अॼु जी अख़बार छपिया आहिनि ख़ासि तौर ते मीरपुर ख़ासि वारी साइड जेकॾहिं ॾिसूं था त तमामु घणा अंब उते मतिलबु अंबनि जा वण आहिनि उतां जा दोस्त गिफ्ट बि ॾींदा आहिनि हिन भेरे असांखे विसारे छॾंदो इहा ॿी ॻाल्हि आहे सो अॼु वरी ॿियूं ख़बरूं तव्हांखे ॿुधायूं अख़बार जूं उहे इहे आहिनि शोबिस जे पेज ते मां फौरी तौर ते निगाह विझां छो त टाइम पाण शॉर्ट आहे यासिर नवाज़ आशिक़ु मिज़ाज निकितो मरीम नवाज़ जवान नज़र अचणु लॻी
यासर नवाज चवे तो वो बावकार सियासतदान है केस जवान तो नो चीज पर ढण में वो जवान लगनी है यासर नवाज इन में को भी शक ना आ उन जी जका राय सा बिल्कुल एग्री कया थी माशाल्लाह केडी ना खूबसूरत है यार बल्कि नानी आ हाँ माशा वो तहाने सुने नानी है ते हुंदे ओड़ी जो ओड़ी है एवर ग्रीन लेडी है माशा चवे थो यासर नवाज नवाज सिर्फ किसी नियारी पावा जहन में इंदा आम लियाकत ते शादियों याद इंदी मतम हिमायूं सही था कि जहन में रखूं तो जाल जाल जो ड्रप है पकड़ जड़न जो ड्रप जहन में इंदो आए इन का सिवाय टॉम क्रूज मलका एलिजाबेथ टू जे प्लेंटियम जुबली तकरीब में शिरकत कई इन का सिवाय जी भी खबरू आन उ तीन पहुँचाई हलूँ उ क्रिकेट जो खबरू भी हैं इंग्लैंड पारा 15 साल बाद जुड़ल टीम पाकिस्तान मोकलण जो इम्कान किया वो है कुछ ढा सुठा फोटोज भी आज अजोके अखबार में मॉडल्स जहाँ कॉलम्स भी ढा जबरदस्त आज फैसलो ना कर सूँ तो घर वो पॉलिसियों तकबंदियों मकानी चूंडू मुख सुठो कॉलम है यो पानी जो वोट वो मारूड़न जहा होका इन अखबार जो जो चीफ एडिटर है वो डॉक्टर अब्दुल करीम राजपुर साहब है यह अखबार रोजानो छपी है कराची हैदराबाद सखर में एक ही वक्त शाया थी तारीख कड़ी है ढूँ कड़ो है पिर तक बुधाई जी बिल्कुल अज जो जो ओ है वो अंगारे जो ओं जी ट्यूसडे भी चूं था अस 17 मई है जैसे बुधाया तो 15 शवाल है अव के यो भी बुधाई हल जो घर में जीजल अखबार मौजूद ना है तो अवं वेबसाइट से भी वही इनके पढ़ी सो जिनी वेबसाइट भी अवसर शेयर कहती हल www.dailyjeejal.com अवं ईजीली इन शे अवेल कर सोता जो अज जो पॉलिटिकल थोड़ा बैकग्राउंड अवे बुधाई हल तो वह शे पेरियों जो है जल्द चूंडू या सख्त मुआयशी फैसला वजीर आजम आसिफ जरदारी फजल रहमान से राबता अज इतिहादियन जो अहम इजलास तलब थो है मतलब कुछ सुठो मिलने वो है कराची में महीने दौरान दहशतगर्दन जो टों वार पुलिस मोबाइल भरसा बम धमाको औरत मार वही 12 जणा जख्मी गाड़ियन दुकान के नुकसान इमरान खान की हयाती के खतरो है अदालती कमीशन ठाण लाय तैयार रहूँ राणा सनावला जो यो चवण है अल्लाह सही सभी की जो है वह जान पे हिफ्ज़ो अमान में रखे सिंध जो पानी पंजाब चोरी करे पयो केर दाऊ नथो बुधे हन का बेहतर त अंग्रेजन जो दौर हो जाम खान शोरे जो चवण है यो सही सदारती रेफरेंस जमीर मौजूब को फुरी त डी सेट थींदो सुप्रीम कोर्ट उहे सब गद थी वया आहन उनन सबनी जो गडियल जनाजो कंदासी इमरान खान सही बस खबरों खत्म थी बिल्कुल सो असा जे करे सडी न्यूज़पेपर बुधाय छंदा सी तो सामू आरा छा पर सुस्त थी वेंदा पार लिफ्ट वाली जका गाल कई पे ने उहाई गाल थी वेंदी जे करे असा पूरी खबर बुधाय छंदा सी ता सुस्त थी ना ता पढंदा ने ते जे करे ता पाण पढंदा ने तांगे वधिक मजो नो तांगे इंटरेस्ट थिनो आई ता जी दिल बचंदी ता रोज जेको आ है वो डेली डीजल के यूज करो जी पर हाकर की चई छडियो ता जे घर तई पहुंचा छंदो अजो डाडो सुठो मेहमान असा जे प्रोग्राम में छणो आरो आए आउ त हैरत में पजी वया त हु कलर हणी करे मार्क हणी करे फिजियोथेरेपी करे तो जिते भी कंखे सूर आए ना मानू उनके डसे तो दा मुके इते सूर आ उनके कलर हणे तो मानू सही तो थी वने आई वो असा एकरो प्रैक्टिकली करे भी प्रैक्टिकली जो ऑफिस में उन अचण साई माना यो बाकायदा पने फन गुजारो के प्रैक्टिकली आई असा जो को ओबी ऑपरेटर तौफीक असा दोस्त जो कुर्सी का उठी न पियो सके गोडन में सूर होने दे माने गोडन दे उन मार्कर पेन सा कलर कयो उनका पो माने वर्जिस तो करे वाह चढ़ नहीं दे जंप आया दे ये मिरेकल है आज सा उनका काफी जे के नो गाली पुछना सॉल्यूशंस वठना हकीकत ये है त अजीब इकड़ो मतलब ये मौजजो आ चई सका तो हैरत जी गाल है खिलन जी गाल है हैरत जी गाल कलर फिजियोथेरेपी ते थी माने का आढ भी नहीं को माने उनके जकने पाना चाहू त को माना ये आई ता के खबर है जदे मुके चवण तो जे त को उनके मटू भी तो दे वो ही त न आई ता खबर है जदे मु कलर डठो न मुखे लगो ये कॉलर लिखल है छा लिखल है मुके समझ न अचे नेट मु बटी बटी दफा पढ़ियो ते ही लिखल छा है पूछ कलर लिखल है माशाल्लाह माने जबरदस्त गाल है या आई डाडी सुठी गाल है जे करे यही शे है आई इन जे करे अस के पुठा बार-बार यो चाहे तो बस करियो ब्रेक आ वो मिलू ब्रेक अच्छा ता के नेट नहीं दिया ता बुधायो मुके पे तो वो ता पे अच्छे तो ने बुधायो जो तो नेट नहीं दिया ए थी सके तो वो कलर जो जको इस्तेमाल करे ता के कान का एडी शे बुधाय नक के मथा कलर न दो ना ता साव खण दो नेट रची दी ता के नडो शॉर्ट कम से ब्रेक वठू ता मोटी चऊ ता हकीकत आ या मजाक न था क्यों हकीकत आ त कलर रणी करे बाकी खिलन दी असा दी आदत है जो सुबह जो टाइम है आई असा खिलन सा खून वदन वाला कलर चो है तो पो छो ने असा टहक न्यू मोर वांगर टिलू सो दे वठू ता एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक गड रहे जो सुना रहे जो सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन
सलाम सिंध में एक बार वहीं भलीकार चूँ खुशामद थोड़ी देर पे तक बुदायोसी तो अब मौज मेहमान हों तो वो कलर फिजियोथेरेपी कह है तो हैरत में पी आया छो तो जी कलर्स खी आया पा अक्सर उ ड्राइंग में यूज कर दिठा पर हि हकीकत में हैरत अंगेज गाल है मुझे लाइ पेरों पेरों जिंदगी में फर्स्ट टाइम यह गाल बुधी है तो कोई मू माना हाँ। कलर हणी करे का भी बीमारी ठीक करे सके तो असल में अजीब नहीं नहीं जी, नहीं जी, जी बिल्कुल हां सही था जो बिल्कुल नहीं है अजीब गाल है हैरत अंगेज गाल है पर गाल या है तो चंदा है ना हर शिजु पुछा लॉजिक हुंदो है जदे पान सर खान लॉजिक पुछो तो सर डाडे सुठे तरीके सान डिफाइन कयो तो पुछा जको लॉजिक छ है रेंबो कलर्स हुंदा है जके सानी बॉडी में इंक्लूड हुंदा है नहीं सन जी वजह सा जके सा रिफ्लेक्शन मिलदी है तो उन वजह सा या शे थिंदी है जदे सने फिंगर्स में जके भी सने बॉडी ऑर्गन्स हैं वे सब मौजूद हुंदा है तो ही जो इलाज है वो फिंगर्स के थ्रू ही थींदो है तो वहा ही वरी गाल तो जकर लॉजिक सा गाल थींदी है तो दिल के सुकून में मिलदो है यकीन भी इंदो है तो सर सेटिस्फाइड करे छड़ो जरे या शे लॉजिक बुधायो बिल्कुल जिते कंखे सूर है को दर्द है को पेन है तो उते को महत्व भी नो दे का रगड़ाई भी नी थे सिर्फ कलर हणे थो तो वो ठीक थी वो ये वही गाल है बहरहाल अस उन पा कचहरी कदा अज पान के भी आजमाइंदी पा भी तजुर्बो कर हकीकत बगैर कें साई के देर की तारुफ करा जी जी उन्होंने तारुफ कराइंदा हलूँ डॉक्टर सैयद गुलेमंद असर मौजूद है तो कलर थेरेपी स्पेशलिस्ट है अलावा रेंबो हीलिंग सेंटर भी है उते भी अवां वनी करे वा जेका थेरेपी वा कराए सको था उनका अलावा पान ऑनलाइन भी ट्रीटमेंट काफ़ी मुल्कन के दई चुका है काफ़ी मुल्कन सा उहे ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी कन था तमाम बेहतरीन गाल है पाकिस्तान में जेके माण्हू उन्हनि वटि रसाई करे सघन था ऐं पाकिस्तान में भी जेकरे उहे परियां आहिनि जिते कराची में आहे हिननि जो सेंटर इहो हीलिंग रेंबो सेंटर तो उहो कराची में आहे जेकॾहिं तव्हां ॿिए किथे आहियो हैदराबाद में मौजूदु आहियो या ॿिए कंहिं ॻोठ वग़ैरह में मौजूदु आहियो त बि तव्हां ऑनलाइन उन्हनि खां थेरेपी कराए सघो था अव्हां खे इहो बि ॿुधाईंदी हलां त काफ़ी डिसऑडर्स आहिनि पोइ इमोशनली हुजनि मेंटली हुजनि जीअं असां चयो त अॼ जो जीअं जेको ॾींहुं आहे उहो हाइपर टेंशन ॾींहुं आहे त हाई ब्लड प्रेशर हुजे अव्हां खे अस्थमा हुजे या जेके ॿिया प्रॉब्लम्स आहिनि जीअं हॾनि जा तव्हां चयो तव्हांजो हथ मथे नथो थिए त उहा ई ॻाल्हि जेके बि प्रॉब्लम्स आहिनि मस्क्यूलर प्रॉब्लम्स आहिनि उहे बि सॉल्यूशन थी सघनि था जो मां दुआ घुरी सघां थो बस यही वडी गाल बाकी जेको आए सो छत वारो पको ठीक न तो कर सका मने करे हत मुजो सफा ओके करण जी कोशिश कंदो जो डॉक्टर साहब जेकरे कामयाब थी वने तो प्रोग्राम में भलीकार चाहू सर थैंक यू सर कैसे हैं ठीक है सर जी अलग शुक्र बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी आप टाइम निकाल के आए और एक नई चीज हमें मतलब आज समझने का देखने का समझने का मौका थोड़ी देर बात करते हैं आपसे भी ओके रहा है जी असावट सिंगर भी मौजूद हैं अली गुलसांगी साहब आवा के प्रोग्राम में भलीकार चाहवा थी आई उस्ताद महेंद्रो साहब तहां के भी प्रोग्राम में भलीकार चाहवा थी ऐसा ना म्यूजिशियन जे असा के म्यूजिक ते जॉइन कयो आ है बादल राय साहब आवा के भी प्रोग्राम में भलीकार चाहवा थी इनका अलावा ढोलक ते जेके बैठन हैं मोहम्मद अली साहब आवा के भी प्रोग्राम में भलीकार उस्ताद बादल राय के दिल जी था गहराई सा वेलकम चाहू था उस्ताद बादल राय सिंध टीवी जो पुराणो साथी ऐं तमामु वॾो कलाकार आहे तमामु वॾो फनकार आहे असांजे प्रोग्राम में पहिरियां बि शुरूआती प्रोग्राम में तव्हां ॾिठो हूंदो त हुनजो ॾाढो सुठो असां सां पेर रहियो जोड़ रहियो ऐं विच विच में ज़ाहिर आहे त ज़िंदगीअ जी मसरूफ़ियात आहे कॾहिं किथे माण्हू कॾहिं किथे पर हिकु भेरो वरी उस्ताद बादल राईअ जो असां सां संगम थियो आहे असां सां मेलाप थियो आहे हीअ मेलाप अलाउ कंदो ख़ुशबक्ति ॼाणींदो ऐं ॾाढो सुठो सवण हूंदो असांजे लाइ छो त ॾाढो सुठो रागी बि आहे ॾाढो सुठो म्यूज़िशियन बि आहे हुनखे दिलि जी अथाह गहराइनि सां हिकु भेरो वरी आऊं पंहिंजे तरफ़ां वेलकम चवां थो वॾी महिरबानी उस्ताद साईं लख थोरा तव्हां प्रोग्राम में आयो सर अब स्टार्ट करते हैं कि ये कलर फिजियोथेरेपी है क्या और किस तरह से इलाज होता है इसका देखिए कलर थेरेपी ये बिल्कुल एक प्योर नेचुरल थेरेपी है जिस तरह मुख्तलिफ तरीके इलाज है एलोपैथिक होम्योपैथिक वो एक तहकीक के ज़रिए से वो सारी चीज़ें हो रही हैं मेडिसिन हम बना रहे हैं लेकिन ये एक ऐसी थेरेपी है प्योर नेचुरल कुदरती है जैसे अल्लाह ताला ने सूरज की रोशनी में जो रेनबो कलर्स बनाए हैं जो कि कौज़ो कज़ा के कलर्स होते हैं हम बहुत से लोग ये समझते हैं कि सूरज की रोशनी जो है ना हमें विटामिन डी प्रोवाइड करती है ये सही है प्रोवाइड करती है लेकिन वो वहीं तक महदूद है कि शायद विटामिन डी प्रोवाइड करती है या पूरी दुनिया में रोशनी फैलाती हाँ। है एक्चुअली ये तो एक हम जानते हैं इससे इतना कुछ सूरज की रोशनी से हमें मिलता है बहुत सूरज की रोशनी में जो वो कलर्स हैं कुछ कलर्स जो हम अपनी आँखों से देख सकते हैं जिस तरह रेनबो कलर्स इसके अंदर बहुत सारे ऐसे कलर्स हैं अल्ट्रा वॉलेट कलर या हाँ। इंफ्रारेड जो हम अपनी नेगेट आइज से नहीं देख सकते वो भी हमारे कलर सारे हमारी बॉडी में पड़ते हैं इवन के प्लांट्स पर भी पड़ते हैं जिससे वो अपना फूड बनाते हैं और वो कलर जो हमारी बॉडी में जाते हैं वो बेसिकली एक स्पेक्ट्रम की तरह हो जाते हैं और हमारे बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को
और उनके सिस्टम को एनर्जाइज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये पूरे सिस्टम को चला रही होती हैं। और हमारी स्टडी ये बताती है कि कौन से ऑर्गन को कौन सा कलर रिप्रेजेंट कर रहा होता है और इससे एनर्जी मिल रही होती है। तो उसमें क्या होता है कि इन्हीं कलर्स के डेफिशिएंट या एक्सेस होने की वजह से हमें मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि उन्हीं कलर्स को बैलेंस करते हैं, जहां कमी होती है उसको कमी पूरी करते हैं, जहां ज्यादती होती है उसको वो पूरी करते हैं। तो उससे क्या होता है, चीज़ें बैलेंस होने लगती हैं, बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। तो ये अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि ये कलर्स के अंदर आपने कुछ ऐसा मिलाया हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर कुछ नहीं है, नॉर्मल कलर है। ये कलर मैं इसलिए यूज़ करता हूँ कि देखिए हमें चाहिए होता है परमानेंट कलर, तो जो कुछ स्टे कर जाए। नॉर्मल मार्कर लगाएंगे वो पसीने से पानी से धुल जाते हैं, हमें चाहिए परमानेंट। अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर इत्तेफाक से परमानेंट मार्कर सिर्फ चार कलर आते हैं डॉलर के, ग्रीन, ब्लैक, ब्लू, रेड। ठीक है, हमें चाहिए तो रेनबो कलर्स के सातों कलर्स। तो उसके लिए ये कलर्स ये मैं बाहर से मंगवाता हूँ और ये मार्केट में भी अवेलेबल है, यहाँ पे उर्दू बाजार वगैरह में मिल जाते हैं। ये 12 कलर का सेट है। ठीक है, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं मिली, ये पहली बात। अब इन्हीं कलर्स को अच्छा अल्लाह ताला ने एक खूबसूरती देखी है कि जब इंसान को तख्लीक की गई थी तो अल्लाह ताला ने इस चीज़ का मोहताज नहीं किया था कि लोग पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे, हकीम बनेंगे तो इलाज करेंगे। अल्लाह ताला ने हमें बाय बर्थ हम जब पैदा किए हैं तो हमारे हाथ हमारी बॉडी में चार हॉस्पिटल्स दिए हैं जहाँ से हम अपना इलाज कर सकते हैं। ये दोनों हाथ और दोनों पाँव, हमारे दोनों हाथ और पाँव में बॉडी के तमाम ऑर्गन्स के पॉइंट मौजूद हैं, तमाम ऑर्गन्स के हर पॉइंट्स मौजूद हैं। उन्हीं ऑर्गन्स पे हम ट्रीटमेंट करके इलाज करते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा बहुत सारे जो मजदूर लोग हैं जो कि काम कर रहे होते हैं, हार्ड वर्किंग कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा बीमार नहीं पड़ते ज़्यादा। वो कुछ भी खा लें, जितना भी खा लें, वो ऐसा हैवी वर्क हार्ड वर्क करते हैं। क्यों करते हैं? फिजिकल एक्टिविटी उनकी बहुत होती है। हमारे इनके हाथ हैं ना, इस सारे पॉइंट्स एक्युमुलेट हो रहे होते हैं, वर्किंग में होते हैं, यानी कि प्रेशर पड़ रहा होता है। कोई भी काम से प्रेशर पड़ रहा है तो उनके सारी चीज़ें एक्युमुलेशन हो रही होती है, उनका बीमारियां नहीं होती। हम आराम से बैठे हुए, हमारे हाथ में कुछ लग ना जाए, बड़ा सुकून से रखते हैं, तो वो बीमारियां, प्रेशर ही नहीं पड़ रहा तो वो बीमारियाँ होती हैं। तो ये बेसिकली जो है हम उसी चीज़ों को बैलेंस करते हैं तो चीज़ें ठीक होने लगती हैं। और लोग ये समझते हैं कि जैसे मैंने बताया, एक तो कुछ ये लोग समझते हैं ये है, और हमारे यहाँ एक अलमिया ये होता है कि बहुत सारे जो खासतौर पे जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो इनका एक माइंड सेट होता है, वो ये कहते हैं यार कि जब इससे रिजल्ट आता ना तो कहते हैं यार कि ये कैसे पॉसिबल है, क्या कुछ दवा हमने खाई नहीं, कोई बड़ी अच्छी बात तो आपने ये बताई सच्चाई वाली कि इसमें कुछ आपने अपनी तरफ से नहीं मिलाया, कुछ नहीं होता, तो फिर तो यकीन मत दे बंदे को, होगा ही नहीं कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, कलर क्योंकि वो बोले कोई दवा खाई नहीं, इंजेक्शन लगाया नहीं, ड्रिप बता दे भाई इससे बीमारी कैसे ठीक मिला लिया है, अच्छा मेरा फार्मूला है। असल में ये बातें लॉजिकल है, साइंटिफिक बातें, जैसे आपने रेनबो का, सूरज का आपने कनेक्शन बताया, तो दीज ऑल आर लॉजिकल थिंग्स। अब होता क्या है कि पहले तो ये समझते हैं लोग के इससे पॉसिबल नहीं है ठीक हो, जब तक ट्रीटमेंट नहीं होती समझते हैं कि इम्पॉसिबल कि कुछ दवा हम खा नहीं रहे। अच्छा, अब सेकंड फेज क्या होता है कि जब हम इसको कलर लगाते हैं और जब रिजल्ट आता है तो फिर वो डर जाते हैं कि मैं कहीं जादू तो नहीं कर रहा। बहुत से लोग ऐसे मेरे पास मरीज आते हैं कि एक को ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, दूसरा बैठ के मेरे मुंह पे गौर कर रहा है, कुछ मंत्र वंतर तो नहीं पढ़ रहा, कुछ पढ़ तो नहीं रहे। तो बहुत से लोग समझते हैं कि शायद मैं कुछ जादू कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, कि कैसे पॉसिबल है कि मैं 8 साल 10 साल से एक प्रॉब्लम में हूँ और जो है ना ऐसा रिजल्ट आ जाए। अभी कुछ एक हफ्ते पहले की बात है, एक लेडी आई थी मेरे पास, उनको डायबिटिक पेशेंट थी, इंसुलिन लेती थी, तो 10-15 साल से डायबिटिक पेशेंट है, तो उनका जो शुगर लेवल है 400-450 ऐसे ही रहता है। अच्छा, तो मैंने उनको कलर्स लगाए, एक क्योंकि जब मरीज में आता है स्टार्टिंग में मैं जनरल ट्रीटमेंट लगा देता हूँ, बाकी उनके ट्रीटमेंट बना रहा होता 4-5 दिन लगते हैं। तो वो दोपहर में मेरे पास आई थी, रात में मेरे पास कॉल आई, खाने के बाद उन्होंने जो टेस्ट किया तो कह रही कि ये तो बहुत अजीब हो गया। मैंने क्या, कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि आप दोपहर में कलर लगाए रात में 150 हो गया ले कुछ के लिए, कहाँ 400-450 150 में आ गया। तो बात लोग डर जाते हैं कि कैसे हो रहा है। सही सही। तो ये हमारे यहाँ थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो मैं आपके आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस टीवी चैनल में बुलाया, और हम सिंध में हैं, सिंध के लोगों को इससे फ़ायदा ज़्यादा होना चाहिए कि लोग समझें कि ये चीज़ क्या है नेचुरल। मैं तो लोगों को एंटीबायोटिक्स से, मेडिसिन से, चीज़ों से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। सीखे कहाँ से हैं आप? देखें, इसमें सिलसिला ये है कि मैं पिछले 15 साल से कोई एक्यूपंचर, एक्यूप्रेशर, चाइनीज थेरेपी, रशियन, कोरियन, ये सारे का, मैं मलेशिया में होता था। अच्छा। तो वहाँ से मैंने सारी थेरेपी सीखी और चीज़ें की। अच्छा। उसके बाद ये कि पिछले 8-10 साल से ये है कि कलर थेरेपी की इन्वेंशन, देखें
गलत, ये जो लॉजिक है ना ये बिल्कुल न्यू है। अच्छा बहुत सारे लोग बोलते हैं जैसे मेरे फेसबुक पेज पे पहले भी कोई करता था किसी सीखे आप, मैं यही बता रहा हूँ कि जब बहुत से लोग ये सुनते हैं ना कि ये न्यू थेरेपी है तो बोलते हैं कि नहीं ये अवॉइड करते हैं, नहीं नहीं ये तो बहुत पुराना है। अच्छा देखिए कलर थेरेपी तो वाकई बहुत पुराना है, ये 1870 से कलर थेरेपी है। 1870 कुछ क्रोमोथेरेपी कहलाते हैं जो लाइट के जरिए से या पानी के जरिए से, नाम अलग होंगे। एक अजीमी साहब है पाकिस्तान के अंदर जो पानी को चार्ज करके वाटर को देते हैं, ये सारे तरीके बहुत इफेक्टिव है। लेकिन ये जो तरीका है कि डायरेक्ट ऑर्गन, डायरेक्ट हम ऑर्गन पे जो कलर्स लगा रहे हैं ये नई तहकीक है। और ये दुनिया में चंद एक लोग हैं उनमें मैं भी शामिल हूँ और उस रिसर्च का एक पार्ट हूँ। ये हमारी रिसर्च है कुछ लोग जो हम ये कर रहे हैं, वरना अदरवाइज जो है ना मुख्तलिफ थेरेपी है वो तो चली आ रही है। अब ये कि हम अभी रिसर्च में ही लगे हुए, प्रोग्राम ये है कि हम लोगों को सिखाना भी शुरू करेंगे। सर रिसर्च कहाँ से करते हैं? असल में हम कुछ लोग हैं वर्ल्ड वाइड जो हम ऑनलाइन बैठ के अपने अपने टेक्निक्स पे काम कर रहे होते हैं, मिलके मशवरा करके सारी चीज़ें एक नई नई चीज़ें बना रहे होते हैं, नई नई पैटर्न बना रहे होते हैं। क्योंकि हमारे जैसे हाथ में सारे पॉइंट्स हैं ऑर्गन के, अब ऑर्गन्स को देखते हैं कि बहुत से जैसे अभी किसी और भी तरीका इलाज है होम्योपैथिक एलोपैथिक, आप जाके बोल देंगे मुझे सर में दर्द है, या लोग आजकल तो डॉक्टर के पास जाते नहीं, सर में दर्द है डिस्प्रिन लो। डिस्प्रिन ये करेगा कि आपके सर के दर्द को सिर्फ ख़त्म नहीं करेगा, वो आपके ब्लड में शामिल होकर पूरे बॉडी में घूमेगा, तो जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है जिस ऑर्गन में वहाँ पर भी जाएगा, ठीक है, जो साइड इफेक्ट पैदा करता है। तो हम क्या करते हैं कि जिस ऑर्गन में जिस जगह पर प्रॉब्लम पर्टिकुलर सिर्फ उसी जगह पर ट्रीट करते हैं पॉइंट के जरिए से, उसी जगह पर ट्रीटमेंट होती, कोई ऑर्गन इससे डिस्टर्ब नहीं होता। अच्छा कहीं पर अगर दर्द हो या जो बीमारी तो वहीं पर ही कलर लगते हैं? हाथ नहीं, नहीं लगते हाथ में, क्योंकि मैंने बताया पूरे बॉडी ऑर्गन के पॉइंट्स हाथ पे होते हैं, तो हम सिर्फ उस जगह पे ट्रीटमेंट करते हैं जहाँ पे प्रॉब्लम है, दूसरे किसी ऑर्गन को छेड़ते नहीं है ना टच होता, वहीं पे ट्रीटमेंट करते हैं वहीं बीमारी। और सर कलर कॉम्बिनेशन कैसे बनाते हैं? देखें कलर इसमें हर कलर का अपना अलग अलग इफेक्ट है, कोई कूलिंग इफेक्ट देता है, कोई हीट प्रोवाइड करता है, कोई उसको फास्ट करता है, कोई उसको जैसे मिसाल के तौर पे अब ये ले लें कि हम ग्रीन कलर की बात करते हैं, अभी किसी की जैसे आप बता रही थी आपकी वालदा की जो ना कि स्टमक की हीट बढ़ गई है, ठीक है, स्टमक की हीट बढ़ने के लिए हम लोग जो जैसे ग्रीन येलो और ब्लू यूज़ करते हैं। अब ग्रीन क्या करता है, ग्रीन उनको कूलिंग अफेक्ट करेगा यानी वाटर ठंडा करेगा, और वो जो येलो है ना वो क्या करता है, मैं आपको एक जनरल उसमें समझाता हूँ जैसे आम लोगों को भी समझ जैसे जैसे गर्मियों में हम बहुत सारे कलर्स नहीं पहनते, कहते हैं कि भाई ये ज्यादा हीट देंगे, जी जी तो यही सिलसिला है। हाँ इसी सिलसिला मैं आपको एक ऐसी लॉजिक में समझाता हूँ जिसमें आम लोग भी समझेंगे। अब जैसे उनको जो है ना स्टमक में उनको हीट है जिस गर्मी की वजह से, ग्रीन कलर मीन्स हमने वहाँ पे पानी डाल दिया, अच्छा सही है, येलो कलर उसमें हमने मिट्टी डाल दिया, यानी कि जो आग में आप मिट्टी डालेंगे तो वो फौरन बंद हो जाता है, येलो हमने उस पर मिट्टी डाल दिया। इसके अलावा क्या किया कि जैसे फॉर एग्जांपल आप वॉश नहा के बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो आप फौरन फैन बंद कर देते हैं, जो फैन ऑन करेंगे तो सर्दी लगेगी ना कि हवा से, तो हम जब ब्लू कलर लगाते हैं तो समझे हमने फैन ऑन कर दिया है, अच्छा यानी पानी डाल के पंखा चला दिया, तो वो फास्टेस्ट जो है ना उस जाके कूलिंग इफेक्ट करता है और वो स्टमक को ठंडा कर देता है। सही मतलब ये लॉजिकल बातें अगर हम समझना चाहें तो कलर के कॉम्बिनेशन जो मैं बता रहा हूँ कि एक से हमने फैन चला दिया, एक में पानी डाल दिया, मिट्टी डाल दी, तो वो चीज़ को बिल्कुल ही ठंडा करके खत्म। अच्छा कभी एक्सपेरिमेंट ऐसे किया है, मतलब ऐसे ही जैसे एक्सपेरिमेंट हम करते हैं बाद में चीजें सही होती जाती है, तो कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट भी किया है? देखिये अभी चंद दिन पहले की बात है कि मेरे आउट ऑफ कंट्री एक पेशेंट थे, तो उनके साथ ये था कि वो 3 महीने पहले की उन्होंने मुझे तस्वीर दिखाई और एक अभी की दिखाई, तो आप बिलीव नहीं करेंगे 3 महीने पहले जैसे इनकी सेहत है इनसे भी थोड़ा बेटर थे, वो हेल्दी थोड़ा थे, और तीन अभी जो उनकी पिक्चर है मैं तो पहचान नहीं पा रहा था कि उनका वेट 75% कम हो गया, वो ऐसे हो गए जैसे 80-90 साल का बूढ़ा आदमी हो, सिर्फ हड्डी होती है और इसकी स्किन होती है, ऐसी उनकी हो गई। क्यों? कि उनको पिछले 3 साल से वो डायरिया मोशन में चल रहे हैं, अच्छा वो बंद ही नहीं हो रहा, उन्होंने दुनिया के हर तरह के इलाज करके देख लिए, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़े, थेरेपी भी कराई, एलोपैथिक होम्योपैथिक फलाना फलाना सब कुछ करा के देख लिया। मुझे उन्होंने कॉन्टेक्ट किया, मैंने उनको कलर पैटर्न बना के दिया कि ये लगाएं, उन्होंने वो लगाया उस पर काम नहीं किया, मैंने दूसरा पैटर्न दिया वो भी उस पर काम नहीं किया, तो मैंने बहुत सोचा क्या करना चाहिए, तो मैंने एक नया एक्सपेरिमेंट उनके ऊपर किया। वो क्या किया कि मैंने उनके जो दोनों पाँव थे जैसे सॉक्स पहनते हैं ना जहाँ तक सॉक्स आता है, दोनों पाँव के सॉक्स हो उतने, मैंने कहा जहाँ तक सॉक्स आता है पूरे पाँव को आप
कोई भी कलर, येलो कलर ले लें, हल्दी ले लें, हल्दी को पानी में मिक्स करें और पूरे इसको येलो कलर कर दें दोनों पाँव को। अच्छा। उन्होंने फौरन 5 मिनट में करके मुझे तस्वीरें भेज दी कि ये देखें मैंने कर लिया। मैंने कहा ठीक है इसको रहने दें। अब यकीन करें 4 घंटे के बाद कॉल आई कि बिल्कुल जो उनका लूज मोशन स्टॉप हो गया, एक एक बूंद बूंद भी बंद हो गया, नहीं आ रहा। अच्छा। दूसरे दिन, तीसरे दिन, 4 दिन भी कह रहे हैं कि अब बिल्कुल नहीं आ रहा। मैंने कहा आप बंद कर दें वरना कब्ज हो जाएगा आपको, आप नहीं लगाना। सही। तो वो बिल्कुल ठीक हो गए, बल्कि एक हफ्ता हो गया अच्छी को 100% क्योर है। तो ये एक नया मैंने किया था कि यार पूरे पाँव को आपसे बात ज्यादा भी करेंगे लेकिन म्यूजिक का तगड़ा भी होना चाहिए, तड़का भी होना चाहिए। बिल्कुल सही था, अच्छा म्यूजिक बजना काफी मर्जन जो आज म्यूजिक में आए हैं। सो कलाम अली गुलसांगी साहब असा गड्ढा एक अली गुलसांगी साहब ढो खूबसूरत शायर रहे हो अमर कलाम अज भी अस बुदूँ था। अल्लाह ताला उनकी जन्नत फिरदौस में जगह था फरमाए। ही वरी अली गुलसांगी बाकी पा हाल हो तो पा कलाम बुधाई तो सही वाह वाह कर माहियार
शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूँ था मोटी अचूँ था तो वरी डॉक्टर साहब से गड आए उन कचहरी सुसरो जो रेल है वो जोड़ी बिल्कुल ढी इंटरेस्टिंग कचहरी थे पे इन लाइ चवी के मंजो अस गो सलाम से सलाम सिंध में एक बार वरी तक भली गार चूँ था कलर फिजियोथेरेपी के हवा से तक जान दई रहा हुआ डॉक्टर साहब असा गड है अना हैरत कंदड़ गाल है इन जो तजुर्बो प्रैक्टिकली भी थोड़ी देर में कंदासी पा आजमाई सच डॉक्टर साहब ताकि खुद के सिर्फ बुधू ना खबर पवे यो सच भी है सही बस ये बता दें डॉक्टर साहब इससे पहले कि कौन कौन सी बीमारियों का इलाज होता है इससे पहले कॉल ले लेते हैं जी अस्सलाम वालेकुम जी हेलो अस्सलाम वालेकुम जी अदि रोशनी की आयो ठीक आयो ठीक ता ठीक आयो बिल्कुल ठीक ठाक इलाही दिन का पोता काल किया छो अभी परे ठीक आ अभी परे भी ठीक आ हां हम ठीक है आवा की आयो ठीक है हो खुश है हो जी ता ठीक आयो अल्हम्दुलिल्लाह खैर लगो पियो है रोशनी प्रोग्राम दिसो था वहां दाल ऐसी आयो आओ सो ठीक थैंक यू थैंक यू ता प्रोग्राम दिसो पिया मंत्राय लाइट कोने ओ पोलाइट कोने ता के खबर पई त सुठा है ने पेरी दिसंदी अच्छा पेरी दिसे सही सही अच्छा रोशनी अजी जो प्रोग्राम जेको वो रिपीट में जरूर दिस जो छ जो अजी कलर थेरेपी जे बारे में असा गलायूं पिया मे भी तहां के भी जी तहां के सिंगर आयो को सिंगर आयो ने जो 2 3 सिंगर सिंगर एडा सुठा बैठे ले असा वटे मामा
गानो तो बुला छे देखो ता नाउ केवा गानो मामा मा केडो गानो नाउ छे आ बताए जेडी थई मस्त जवानी तेडी आ रात सुहानी ओ जेडी थई मस्त जवानी तेडी आ रात सुहानी ओ वे हु यार कयूं प्यार छडे वना वना यो सिर्फ रोशनी लाए ठीक है बाबा जी किन किन बीमारियों का इलाज होता है इन कलर्स से? देखें अल्हम्दुलिल्लाह इस कलर थेरेपी में उन तमाम एक्यूट और क्रोनिक डिजीज़ का भी इलाज है और उन बीमारियों का इलाज है कि जो जो मेडिकल साइंस कहती है कि इसका लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जो कि मेडिकल में जिसका इलाज ही नहीं है, वो बीमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह इस कला थेरेपी से ठीक हो जाती हैं। उसमें आराम आ जाता है, बल्कि बीमारियाँ बहुत सी बीमारी क्योर हो जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर डायबिटिक पेशेंट हैं, डायबिटिक का इलाज नहीं है, ज़िंदगी भर आपने दवाएं इंसुलिन लेनी है और अल्हम्दुलिल्लाह इस कलर थेरेपी से डायबिटिक पेशेंट एक टाइम आता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, उसके पैंक्रियाज दोबारा से वर्क करने लग जाते हैं। इसके अलावा जैसे अर्थराइटिस है, गठिया का दर्द, वो ठीक नहीं होता, वो ठीक हो जाते हैं इसके अंदर। शर्टी का पेन है, एस्थमा है, इसके अलावा सर्वाइकल पेन है, इसके अलावा माइग्रेन है, बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे, वो होता है। साइनोसाइटिस है जो अक्सर लोग ऑपरेशन कराते हैं ना, फिर दोबारा हो जाता है। ये सब वो बीमारियाँ हैं जो कि लाइलाज चल रही होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सब बीमारियाँ भी क्योर होती हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं कि जो कोई तस्वर भी नहीं करता ठीक हो सकती हैं, जैसे बाई बर्थ इशूज़ होते हैं। कोई बाई बर्थ इशू हैं, बच्चों को ऑटिज़म है, या फिर ये कि इनके दिल में सुराख है, होल है, वो भी ठीक हो सकता है। बिल्कुल, इसके अलावा इसके अलावा तो जो जो बच्चे बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, बाई बर्थ उनका इशू है। इसके अलावा देख भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते, वो भी ठीक हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा जिनकी हाइट नहीं बढ़ती, इवन के मैंने 40 years में भी किसी की हाइट बढ़ाई। तो ये सब बाकी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, लोग पता नहीं क्या क्या जिसके सर के बाल चले जाते हैं, क्या कुछ करा रहे होते हैं। अच्छा सब, मतलब हाल ही में 2-4 माह पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। जी जी। तो ये मेरा जो बाजू है ना, ये थोड़ा मतलब वो फ्रैक्चर आया हुआ है, तो ये ऊपर नहीं होता पूरा। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखिए ये बाजू ऊपर हो जाता है, ये यहाँ तक होता है। अच्छा, तो क्या इसका इलाज कोई मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, आप अगर यहाँ पे आ सके तो। माँ डॉक्टर साहब ना कर तो गया, डॉक्टर साहब ना मुझे यार जुगाम वो। जी डॉक्टर साहब, आप प्रैक्टिकली करे दिखा रहे हूँ तां के, छो तो जेकी नाज़रीन आए उन्हें की खबर पे तो ही की इलाज थींदो आ। सर ये अंगूठी उतार दो। हां ये होता है। चलें जी, मैंने ये जेब में रख ली। ये मुझे अपना लेफ्ट हैंड दिखा। लेफ्ट हैंड, अच्छा, ये इधर सामने। अच्छा, इसमें भी कोई लॉजिक है लेफ्ट हैंड में? हाँ, तो अलग अलग पॉइंट्स से तमाम बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं। मतलब जिस मतलब बाजू में दर्द है, नहीं वही हाथ, वो जरूरी नहीं। अच्छा, जरूरी नहीं, ठीक है। सर फिर ये ऑर्गन के बारे में आप कहाँ से पढ़ते हैं? ये असल में एक, ये तो बहुत सारी और भी जो थेरेपीज हैं उसके अंदर भी है कि ऑर्गन के पॉइंट सब ही होते हैं। कैमरामैन साथी गुजारिश है यह तक कि तो मना ज़ूम करें। सर वैसे आपकी डिग्री किस चीज़ में है? देखें मेरी जो क्वालिफिकेशन है ना नॉर्मली वो ये है कि मैंने MBA किया हुआ है। अच्छा, मेरी MBA, बिजनेस की साइड। ये मेरी फील्ड नहीं है। अच्छा, लेकिन ये है कि चूंकि मैं वहाँ मलेशिया में था, वह कोई 15-20 साल से मैं इसी थेरेपी सीख के ये इसको इस काम को कर रहा हूँ। तो चूंकि ये था मेरे साथ के शुरू से ही मैं जो मेडिसिन के और एंटीबायोटिक के बड़ा अगेंस्ट चलता था। अच्छा, मेरी पूरी कोशिश होती थी कि मैं इन चीज़ों से बचूं, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने ऐसी पढ़ी थी एंटीबायोटिक के बारे में कि बहुत सारी ऐसी साइड इफेक्ट हैं जो कि लोगों को पता ही नहीं है। सही, सही। पता है आपको? फिर ये आप सवाल क्यों कर रही है?
इसलिए कर रही है ताकि आप बातों में मसरूफ रहें और हमें ये भी अंदाजा हो कि आप कोई वजीवा वजीवा नहीं पढ़ रहे जिस तरह से लोगों को होता है ना कि भाई कुछ दम कर रहे हैं, वो अक्सर लोग यही समझ रहे हैं जादू टोना कर रहे हैं कि कुछ जो है ना आपको बातों में लगा रही है ताकि वो न कर पाए आप। नहीं, वो करता भी नहीं हूं। बस मैं एक चीज करता हूँ, पढ़ता हूँ सही, जब भी कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करता हूँ बिस्मिल्ला पढ़ता हूँ, शुरू अल्लाह के नाम से कोई अच्छा वो वजीफा ही नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ता है। सही, आपके यहाँ कौन से ज्यादातर पेशेंट्स आते हैं, मतलब किस किस्म के पेशेंट्स ज्यादा आते हैं? देखिए, एक तो डायबिटिक पेशेंट बहुत हाँ। है, इसके अलावा एक ऐसी प्रॉब्लम लेडीज में आजकल बहुत ज्यादा आम हुई है, मैं बड़ा परेशान हूँ इस चीज से, कैसा कि जो है ना पीसीओडी पीसीओएस के पेशेंट्स और हार्मोनल इंबैलेंस, सही, और वो भी यंग लड़कियों में जो कि अनमैरिड हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सही सही, और इसके लिए बहुत सारे ये लोग ट्रीटमेंट कराती हैं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, और मतलब ये आपके लिए बहुत शॉकिंग होगी, ये बात लोगों के लिए भी होगी अल्हम्दुलिल्लाह के करम से, पीसीओडी पीसीओएस ये इतना डेंजरस खतरनाक बीमारी है, सही, 1 वीक से लेकर 3 मंथ्स के अंदर 100% क्योर हो जाता है। अच्छा, 100% कुछ भी नहीं रहता, टेस्ट कराने क्लियर। सर, इसमें हार्मोनल डिसऑर्डर्स में चेहरे में बाल आ जाते हैं, असल बाल जो है वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना उनको पिंपल्स आना शुरू हो जाते हैं, बहुत सारी इश्यूज हो रहे होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये उंगली एक आपने बीच वाली छोड़ दी, जी हाँ जी, इस पे लगेगा कलर या छोड़ दी जाती? अभी देखिए मछू से भैया पूछा गया ना, हिकड़ी अंगूर छू चली दे इन अजीब कलर जी कहा जा, अभी तो लग रही है ना, देखिए कहाँ तक किस किस उंगली में लगती। अच्छा मतलब ये 12 ही कलर खपाई दो लगे तो थे बाबा, ही मना अंगूर थे ही मना टी अंगूर आ मुझी इन हथ जी जैसे कलर थे तो हिकड़ी अंगूर ना रहल हिकड़ी अंगूर अंगूठो पर रहल। अच्छा, ये जो 12 कलर से वो 12 यूज होंगे? नहीं, 12 कलर्स नहीं होते, 12 कलर्स यूज नहीं होते, तकरीबन कोई जो है ना किसी में अलग अलग पेशेंट, जरूरी नहीं है कि सबके हों, किसी के 2-3 होते हैं, किसी के 5-6 होते हैं, 7 होते हैं, तो वो क्या मर्ज के हिसाब से आप समझ सकते हैं? मर्ज के हिसाब से, जिस तरह के मर्ज होगा, जिस तरह कलर्स की इश्यूज होंगे वही कलर। अच्छा अच्छा, तो ये जो एक वैसे एक मासूमाना सा सवाल है, जी जी, ये जो पेंट करते हैं लोग जी, जो कलर्स करते हैं दीवारों को जी, वो तो उनका तो सारा दिन हाथ ही कलर में होता है, तो वो बीमार नहीं होते हैं? असल में उनको ये क्या चक्कर है, ये जरूरी थोड़ी कि उनको वही कलर मिल रहे हैं जो उनके अंदर प्रॉब्लम है। अच्छा, कलर कॉम्बिनेशन, तो कभी matters. दीवार को कोई कलर लगा रहे हैं, कभी कौन सा कभी कौन सा, तो बहुत से कलर से उनको प्रॉब्लम भी हो जाती है, उनको नहीं पता होता। सही, अक्सर देखें जो रेड और ये जो रंग बाजार में जो कपड़े रंगते हैं, जी हाँ, रंग साज जिसको कहते हैं, तो वो भी तो कलर से सारा दिन गेम करते हैं? हाँ, गेम कर रहे होते हैं, लेकिन ये कि उनके सारे कलर मिक्स हो रहे होते हैं। अच्छा, तो उनको भी इश्यूज होते हैं, उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, लेकिन ये कि चूंकि अच्छा, बड़ी बात ये है कि डॉक्टर साहब जो है ना वो डॉट सर्किल लगा रहे हैं, मतलब ऐसे लकीर नहीं खींच रहे। सर, रेड कलर के बारे में कुछ बता रहे थे आप। हाँ, रेड कलर के बारे में मैं ये कह रहा था कि देखें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम शुरू से बचपन से वो कर रहे हैं लेकिन हमें नहीं पता कि वो क्या हो रहा है। एक्चुअली आप पहले ज़रा देखें कि आपके हाथ पे क्या कंडीशन है। यहाँ तक हो रहा है अभी, कुछ पेन में कमी आई है? पेन तो वही है फिलहाल तो। अच्छा, फिर वही अब अगर हुआ तो मैं बता दूंगा। देखें भाई, मैं सीधी बात बताऊंगा नाज़रीन को, जो हो रहा है मेरे साथ वो मैं आपको बताऊंगा। मसल्स के पेन में कुछ कमी आई है? यहाँ पर वैसे दर्द है ना थोड़ा सा, जी जी, तो ये ऊपर नहीं होता, इससे ज़्यादा ऊपर होता है तो दर्द हो जाता है। तो मैं ये बता रहा था कि देखें, अच्छा ये फ़ायदा जल्दी मतलब मिल जाता है ये? नहीं, तो ये ऐसा भी कुछ लोगों फौरन देखें, हो सकता है 2-3 घंटे के बाद हो जाए। हाँ, 2-3 बाद बचा कला का जरूरी ना है टिक्की जगह होती आने जो आने ताए मथे सूज खत्म। असल में ये होता ये है कि ना ही डॉक्टर साहब के तुम तो आने कल कल लगा होती मां आने तुम मथे का नहीं नहीं वो होता भी है, लेकिन इशू ये है कि वो कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं पावरफुल जो कि पाँव में लगते हैं, बड़े से पैटर्न होता है। अच्छा अच्छा, उससे बहुत फास्ट रिजल्ट आ जाता है, हो सकता है 2-3 घंटे के बाद। लेकिन एक प्रॉब्लम ये होती है कि अगर किसी की नाफ डिस्प्लेसमेंट हो, नाफ सेट ना हो, अच्छा, तो उस कंडीशन में रिजल्ट नहीं आता। अच्छा अच्छा, तो अगर नाफ का इशू हो ना, अच्छा अच्छा, जो कि मेडिकल अच्छा, नाफ में बहुत सारे लोग तेल वगैरह डाल देते हैं, तो उसमें बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा करते हैं नाफ में तेल डालना, तमाम बॉडी के तमाम जो दुनिया में जे करे ता तेल विझी रात जो सुमंद हो या करे करे उनमें तेल लगाने से भी तबीयत में वडो फायदो पोंदो आ। तेल बजे को आ है वो सिरिंज होते सिरिंज होते तेल जंग पे। अभी देखिए कि दर्द में पेन में देखिए कमी आई है इसके यहां पे, चलिए 2-4 घंटे के बाद उससे ठीक हो जाए। असल में ये आपका मसला ये है कि आपको ये हो गया फ्रोजन शोल्डर। सही सही, ओके,
ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट डिफरेंट है। सही सही हाँ। क्योंकि फ्रोजन शोल्डर में ये फ्रोज हो जाता है, ये ऊपर हाँ, नहीं जाता हाँ, ना फ्रीज हो गया, फ्रीज हो गया, तो उसके लिए एक थेरेपी के साथ ट्रीटमेंट है। सही, तो वैसे इसमें भी थोड़ी देर में आपको रिजल्ट आएगा, पता चलेगा, लेकिन ये कि फ्रोजन शोल्डर है, परमानेंट होगा या टेम्पररी है? नहीं देखिए, इनका जो फ्रोजन शोल्डर है हाँ। इनको इनको थेरेपी प्लस कलर थेरेपी, हम फिजिकल थेरेपी भी, फिजिकल थेरेपी भी होती है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा चेक करता हूँ, अभी देखिएगा, आप मेरी सीट पे बैठने जा रहे हैं, फर्क मिल रही है थोड़ी, यहाँ मजा आ रहा है, जो बात बताने वाली है ये सुकून मिल रहा है मुझे, अब सुकून मिल रहा है, जो तो मैं टुडे तो ना उतने शुरू हुआ, हाँ यहाँ पर पेन है डॉक्टर साहब, आ हा हा हा, क्या मजा है यार, वाह 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 वाह, मजा आ गया जी। मैंने आपको बताया ना, आपको फ्रोजन शोल्डर, आपको रिलैक्स इसलिए नहीं मिला कि फ्रोजन शोल्डर, आ हा 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 हा, यहाँ पर पता चल रहा है कि ट्रीटमेंट हो रही है भाई, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर जो दुखती रख पे हाथ रखा था आपने, यहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा है भाई, इतने मना ये मस्टन सटन ना कम सेट थी भी तो लगे तुम्हें, वाह 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 वाह। सर आप फिजियोथेरेपी भी करते हैं साथ में? जी मैं असल में ये वो फिजियोथेरेपी नहीं है, ओके, ये बेसिकली ये थाई थेरेपी कहलाती है। अच्छा थाई थेरेपी, वाह वाह बड़े बात आता पर जिसका एड़ा में मन करा है सुकून हो चाहिए, वाह 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 वाह, आ हा हा हा, वाह डॉक्टर साहब वाह, क्या कहने, कलर बेणे तो वरी ही जेका ट्रीटमेंट आ ना या माना गर्जी जने मिनी जो मिलाप थी तो पो असल फायदा पो पंदो। डॉक्टर साहब बड़ा सुकून आ रहा है वैसे, आ हा हा वाह 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 वाह, हे 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 हे, हिते माना जो का ना जो करार में फील हो गया ना सच आ बुदाया था आगे, हाँ मुख्य लगे तो को फायदो पवन मुझे, वाह वाह वाह, मुझी बाह जी नाजिम दिसन था छो तो पा म्यूट सीन में हल मेल ये बाह मुझी एक्सीडेंट थे, अभी देखिएगा कुछ बेहतरी है, हाँ थोड़ा फायदा हुआ है, थोड़ा ऊपर उठा है, हाँ थोड़ा ऊपर, पहले यहाँ तक आ रहा था, सच्ची बात बता रहा हूँ, अब थोड़ा थोड़ा ऊपर उठा है, लेकिन शोल्डर के साथ ऊपर हो रहा है, ये शोल्डर का जो है ना वो इसके साथ जो है ना, असल में जगह ऐसी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको तकरीबन जो थेरेपी है ना उसका 25% दिया है, वरना यहाँ पे 9 पॉइंट्स होते हैं, 14 पॉइंट्स बैक पे होते हैं, नहीं लेकिन वो जो सारी नसें हैं ना वो मतलब हरारत में आ गई है, जी जी फील हो रहा है कुछ, मतलब अच्छा फील हो रहा है, मैं सारी थेरेपी देता ना तो आपको थोड़ी, यानी कि अभी टाइम तो कम होता है, सही सही, तो आधा पौन घंटे की थेरेपी से आपका हार्ट तकरीबन जो है ना 90% सही हो जाता है, शायद तो ही जो बाह है हुआ इन मन कुले से गड मते थे थी जबरदस्त, ही जो पान थी थे फर्क सिर्फ एतरो आए, पर डॉक्टर साहब चवणी यो आए तो जकने फुल थेरेपी थे या टाइम जी किल्लत पे आए जकने मुकम्मल बटरे पेरा ट्रीटमेंट थी थी तो ये बाह ठीक थी वेंदी, कलर्स जो पई जगह ते कॉम्बिनेशन आए घरो घर जो वरी मर्ट सेट थी उनसा भी तमाम गुण फर्क पवे तो, लेकिन ये कि वैसे भी 2 घंटे में भी कलर ने अपना काम करना है, अच्छा वैसे भी काफी ठीक हो जाएंगे, अच्छा, मतलब वैसे भी ठीक हो जाएगा, हाँ विद इन 2 आवर काफी 60-70% तो ठीक हो जाएंगे। चलिए मुझे ये बताएं बच्चों की बीमारियों के वाले से कुछ बता दें, देखें बच्चों की बीमारियां बहुत सारी, यहीं पर ठीक हूँ भाई मैं, यहाँ पर बैठा हूँ डॉक्टर साहब, देखें बच्चों की बीमारी में ऑलमोस्ट तमाम चीजें क्योर हो जाती है, बहुत सारी जैसे बच्चों के अंदर इशू ये होता है कि स्टडी के हवाले से कि उनका सही फिर उसके बाद उनको याद नहीं रहती, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, या उनके अंदर सबसे ज़्यादा इशू जो बच्चे में आता है कॉन्फिडेंस की कमी, सही अब वो आता बहुत कुछ है प्रेजेंट नहीं कर पाते, बोलते नहीं, खामोश रहते हैं, तो या बहुत सारे बच्चे एग्रेसिव होते हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, हर वक्त शरारत कर रहे हैं, घर वाले परेशान हैं, फिर कुछ बच्चे होते हैं कि जिनको एडिक्शन होती है मोबाइल में, हर वक्त आजकल तो हर घर की कहानी है, सही, सही, सही। वो मोबाइल में लगे होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं, पढ़ने का शौक नहीं होता, ये एडिक्शन हो या पहले जमाने में जेब कतरा था, पता है तुम्हें आप क्या ये जो है ना यहाँ से माइक निकाल के, सही 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 सही, तो ये चीज़ें भी बच्चों की ठीक होती हैं, इसके अलावा बच्चों में जैसे आई साइट वीक हो जाती है उनकी, या फिर उनको साइनोसाइटिस का इशू होता है, या अस्थमा का इशू होता है, या फिर ये कि बहुत सारी बड़ी एज में भी बच्चा बेड बेटिंग बिस्तर में पेशाब कर रहा है, ये कंटिन्यू करते हैं बात को, दिल चाह रहा है कि अच्छा सुन आपको सुनना, क्योंकि आपने बहुत अच्छा मतलब सुकून हमें दिया है, ज़हनी सुकून हम आपको देंगे, बादल राय साहब असो तमाम सुठो वो कलाकार सिंध जो
उमेर अचना साहब असा तमाम घना उन दो गाना मशहूर थे खोड़ सारी शायरी उन माना जवानी का वी बल्कि नंढपण का वी गाए तो उस्ताद जो को दौर असा डिठो माना गाल बयान क्या असल में वही शे थी न तो शायरी जैसे सुठी गाय जे आवाज सुठो हो तो वह सब शे मैटर कंदी है सही तो शायरी डाडी सुठी गायल है ना जगह शायरी नो डाडी सुठी गायल है उस्ताद वाह वाह कजो एकडो मशहूर कलाम आ ता जो यार जल्दी मिलो वक्त जे चीच में जिंदगी जो छलो वक्त जे चीच में जिंदगी जो छलो यो चीए गिलो जल्दी मिलो यार जल्दी मिलो ओ यार जल्दी मिलो जीर जब रूत जन्मन खबैरा मेहमान तरसंदो केस ताई भला काफिलो यार जल्दी मिलो ओ यार जल्दी मिलो ओ यार जल्दी मिलो तो सचाहत चरपण घटवावन दिल जा रहा अर्पण घटवावन बिछोड़न ना है रहो वलवलो रहो वलवलो यार जल्दी मिलो यार जल्दी मिलो ओ यार जल्दी मिलो जो वने आई कदे पल अंदर पान पर जो वने दिल ही समझे नथी दर्द आदा दिलो आदा दिलो यार जल्दी मिलो यार जल्दी मिलो वक्त जे चीच में जिंदगी जो छलो प्यो थिए गिलो ओ यार जल्दी मिलो ओ यार जल्दी मिलो पंहिंजी पोज़ीशन तव्हांखे इहा ॿुधायां थो त हीअ ॿां थोरी अञा वधीक मथे थी वई आहे फ़र्क़ु पियो आहे सो मोटी था अचूं डॉक्टर साहिबु कम जो माण्हू हथु अची वियो आहे इनखे ईअं न छॾींदासीं अञा ट्रीटमेंट थींदी अञा कचहरी थींदी ॾिसंदा रहिजो सलाम जी सलाम सिंध में एक भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था डॉक्टर साहिबु असां सां गॾु आहे रंगन वसीले दुनिया जेका रंगीन पाण ॾिसूं था न त ज़िंदगी बि रंगीन थी सघे थी सूर दर्द
मर्ज सब छुटी वन रंग सो रंगीन डॉक्टर आई डाडो मां चांदो डॉक्टर रंगीन जिंदगी मुझे का है ये ही रंगन मगर रंगीन हो जण खपे ताकि अछो जिंदगी जो मजो आ है नो रंगन सा या बेरंग जिंदगी में को मजो ना है सही 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 मुखे बराल जो को थोरो बना ये इलाज जो को थयो है उन में थोरो फर्क पयो है अन्या कुछ जल्दी तक काशे मुमकिन ना है सो थोड़ी देर का थी सके तो बिल्कुल ठीक थी अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि घुटनों का दर्द भी होता है जी जी घुटने बाज़ का तो ये मतलब बहुत सारे पेशेंट मैंने ये देखें कि वो तब्दील करवाने के चक्कर में होते हैं आँखों का इलाज होता है क्या वो भी इन रंगों से ठीक हो सकता है बिल्कुल ठीक होता है देखिए घुटनों में जो जिस पहले तो ये कि किसी भी किस्म का पेन होता है कुछ लोगों को ये होता है कि सीढ़ियाँ चढ़ने से या चलने से पेन होता है कुछ कुछ बैठे बैठे हो रहा होता है किसी में आवाज़ आ रही होती कट कट की आवाज़ आ रही होती आवाज़ आ रही होती तो उसमें अक्सर जो गैप आ जाए या लिगमेंटेशन की कमी हो जाए या पेन हो जो भी कंडीशन हो इस ट्रीटमेंट से बिल्कुल ठीक हो जाता है अच्छा। उनको फिर रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती वो लेगमेंट आ जाते हैं बल्कि पूरी बॉडी के लेगमेंट जहाँ जहाँ कमी होती है बैलेंस हो जाती है और फिर उनको ऑपरेशन से बच जाते हैं और ये आराम आ जाता है वैसे नॉर्मली जो घुटने में पेन होता है वो तो कलर लगाते ही एक मिनट के अंदर उनको चलने में आराम आ जाएगा फौरन ही सर अभी हीट स्ट्रोक जो है और हीट वेव भी है तो उसमें क्या करना चाहिए देखिए ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है क्योंकि आजकल इतनी ज़्यादा गर्मी है लोग काम के लिए स्कूल के लिए बच्चों को बाहर निकलना ही पड़ता ना बच्चे तो स्कूल जा रहे हैं लोग काम के लिए जा रहे हैं रुक नहीं सकते तो उसके लिए एक बहुत अच्छी प्रिवेंशन है कि अगर वो कर ली जाए तो उसमें ये है कि आप एक तो गर्मी कम लगेगी और हीट स्ट्रोक से मैं बता देता हूँ आपको ये हर घर में होता है ग्रीन कलर ये दो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसके लिए ये नहीं है कि आप मेरे मार्कर के इंतजार करें आप जो परमानेंट मार्कर जो डॉलर के मिलते हैं आपके तो वो ले सकते हैं ग्रीन कलर ले लें लाजमी है परमानेंट हो असल में परमानेंट स्टे कर जाते हैं अभी होगा दूसरे कलर लगाएंगे पसीने से वो बहना शुरू हो जाते हैं फैल जाते हैं अच्छा मतलब वो कंटिन्यूअसली लगे होने चाहिए तकरीबन जैसे अगर आप घर से कहीं बाहर जा रहे हैं धूप में जा रहे हैं तो कोशिश करें लगा के जाएं ये ग्रीन कलर लेके ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है ये जो शहादत की उंगली कहलाती है इसमें देखें एक तो ये जो ज्वाइंट है ये ज्वाइंट और ये जो नेल बॉर्डर है इसके बिल्कुल सेंटर पे एक पॉइंट लगाएं पहले और इस सर्कल को आप थोड़ा सा बड़ा कर लें ये गोल इतना बड़ा ये कर लें यहाँ पे इस तरह से ये कर लें और इस दूसरे इंडेक्स फिंगर के ऊपर भी इसको आप ये ग्रीन कलर लगा लें और इसके बाद क्या करें कि ब्लैक कलर ये भी डॉलर में अवेलेबल है सही ब्लैक लेके ये जो थंब है थंब के यहाँ पे ये ब्लैक लगा लें अच्छा और इस वाले को भी यहाँ पे ब्लैक लगा लें ये सेम सेंटर पे ठीक है ये आपने लगा लिया उसके बाद आप धूप में निकल जाएं बेशक तो देखें गर्मी ऐसा तो नहीं कि गर्मी नहीं लगेगी आपको एसी तो नहीं चल रहा होगा लेकिन गर्मी कम लगेगी और ये होगा कि आप हीट स्ट्रोक से बच जाएंगे आपको लू नहीं लगेगी ठीक है ये एक चीज़ तो ये हो गई दूसरी इसी से रिलेटेड है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इस गर्मी के मौसम में भी पिकनिक पे जाने से बाज नहीं आते समुंदर पे जा रहे होते हैं फार्म हाउस पे जा रहे होते हैं वाटर पार्क में जा रहे होते हैं क्योंकि गर्मी है तो वाटर पार्क जाएंगे आने के बाद शक्ल चेंज हो जाती है बिल्कुल ब्लैक और अजीब सी स्किन हो जाती है तो उनके लिए क्या होता है कि या तो अगर सनसेट इस तरह से जा रहे हैं सी साइड जा रहे हैं या उधर जा रहे हैं उस दौरान भी लगा के रखें आने के लगा के रखें वो ग्रीन कलर लेकर ये देखें ये ग्रीन कलर लें और ये जो इनकी जो राइट हैंड साइड की स्मॉल फिंगर है छोटी वाली उसको ऐसे फोल्ड करें ये जो जॉइंट है फर्स्ट जॉइंट इस जॉइंट को पूरे यहाँ से यहाँ तक इसको ग्रीन कर लें अच्छा ये पूरी एक पट्टी जैसे बना लें ग्रीन एक जॉइंट के ऊपर और थोड़ा सा जॉइंट से ऊपर थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे फिर मतलब जो कलर है वो ब्लैक नहीं होगा हाँ ये दो ये ग्रीन कलर लगा लें ठीक है अगर पॉसिबल ये भी काफ़ी है अगर उनके मौजूद है ये ब्लू कलर भी डार्क ब्लू कलर भी मिल जाता है इसके अंदर अच्छा। ना आपके डॉलर में और वो इस ग्रीन के नीचे की साइड पे ये यहाँ पे से ग्रीन लगा लें ये ठीक है ये सॉरी ग्रीन के नीचे डार्क ब्लू लगा लें ये तीन कलर नीचे ये जॉइंट के नीचे डार्क ब्लू ये ग्रीन जॉइंट पर जॉइंट के ऊपर ग्रीन ये लगा लेंगे तो इससे क्या होगा कि जितने भी ओपन एरिया है मुंह है हाथ है पाँव जो भी आपके ओपन एरिया है वो सारे एरिया जो है जहाँ जहाँ भी सन बर्निंग नहीं होगी अच्छा प्लस ये कि अगर हो गई है तो वो दो तीन घंटे के अंदर क्लियर हो जाएगी जो होता है ना डार्क चेहरा हो गया बल्कि सन ब्लॉक लगाने की जरूरत नहीं सन ब्लॉक ये सन ब्लॉक का काम करता है वाओ मतलब वैसे भी लगा सकते हैं सिर्फ ये नहीं है कि वाटर पार्क जा रहे हैं और अगर निकाल लिया तो सन ब्लॉक बहुत महंगा मिलता है भाई इसके अलावा जल्दी से काम हो गया अगर इसके अलावा भी अगर ये लोग लगा के रखते हैं तो जिनका होता है ना स्किन डार्क हो गई है
वो जो होता है ना फेयर हो जाएगी, फेयरनेस क्रीम लगा रहे होते हैं तो इनकी स्किन उस हद तक फेयर होगी जितना इनकी बॉडी का कलर है। ये नहीं कि एक्स्ट्रा नहीं हो जाएगी, जो बॉडी का कलर है उस हद तक वो स्किन जो व्हाइट। अच्छा, फिर ये स्किन का तो बता दिया, बाल कैसे बढ़ा सकते हैं? बाल के लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट होती है। देखें बाल के अंदर जैसे किसी के बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, उसके लिए नेल बॉर्डर के ऊपर मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन कलर बनता है, वो हर पेशेंट के हिसाब से अलग अलग होता है। तो वो जब हम लगाते हैं तो उसमें ये होता है कि एक हफ्ते के बाद से बाल हेयर फॉलिंग बंद होना शुरू हो जाती है, 15-20 दिन महीने के अंदर बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। एक तो ये हेयर फॉलिंग, फिर उसके में ये भी होता है किसी के बाल जो है ना रफ़ी हैं, ख़राब हो रहे हैं या टूट रहे हैं, इस तरह से वो भी ठीक हो जाती है। जिनके बाल गायब हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, एक होती है एलोपेसिया कहते हैं, जो बिल्कुल वाइट बिल्कुल क्लीन हो जाता है, सिक्के की तरह बन जाती है, जगह फैलने लग जाती है, वो भी ठीक हो जाते हैं। इसके अलावा जिनके बाल उड़ जाते हैं, गंजे हो जाते हैं, वो भी बाल निकलना शुरू हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, मैं ये भी बताइएगा कि सबके लिए है, जिन जिनको नींद नहीं आती। मुझे रात में अक्सर नींद नहीं आती, मतलब ये होता है कि थकावट होती है, नींद आ भी रही होती है लेकिन आती भी नहीं है, मतलब अजीब सिचुएशन है ना, मतलब आ जाती है दरवाजे तक पहुंचती है, आती नहीं है। थकावट होती है, मेंटली भी बहुत थकावट होती है, लेकिन आती नहीं है। दिया पर अंदर न दिया जाए, अगर आप इधर आ सके मैं कलर लगा देता हूँ और इससे फिर आपको इंशाल्लाह आज बहुत अच्छी नींद आएगी। ऐसा नहीं कि यहीं पे आ जाएगी, रात में अच्छी नींद आएगी। ये देखें, ये जो ग्रीन कलर जैसे मैंने उस वक्त इंडेक्स फिंगर पर लगाया था, ये वो लगे रहने से पैर नहीं, ये जो आपके इंडेक्स फिंगर है यहाँ पे इस ज्वाइंट से इस ज्वाइंट और इस नेल बॉर्डर के बीच में एक पॉइंट लगाएं और इसको आप ना ये सब सर्कल बना लें ग्रीन। सही, ये मैं खुद भी कर सकती हूँ घर में, बिल्कुल कर सकती हैं। और ये यहाँ पे भी एक ग्रीन कलर का सर्कल बना लें, ये हो गया। इसके अलावा आप ये करेंगे पिंक कलर, पिंक लेके ये जो आपकी मिडिल फिंगर है, ये सबसे बड़ी वाली फिंगर होती है, इसको यहाँ पे एक पिंक कलर कर लेंगी और एक यहाँ पे भी, इस मिडिल फिंगर पे भी पिंक कलर हो जाएगा। जिंदगी पिंक थी। और इसके अलावा ये ब्लैक कलर थंब पे, यहाँ पे ओके पिंक लगी पे कलर तो माचो जिंदगी पिंक थी भाई आने चाचा ये आप आने चाचा ये आप कर लेंगे तो इससे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। और इससे और भी क्या होगा कि आप जो बड़ा कूल माइंड हो जाएंगे और सुकून मिलेगा आपको, बिल्कुल नींद सा गलबा आएगा, फिर नींद भी बहुत अच्छी आएगी, मतलब गुड स्लीप होगी। ओके, जिनको नींद नहीं आती वो भी, जिनको होती नहीं रात में उठ रहे हैं, बेचैनी हो रही है, पूरी रात पूरी सुकून से बहुत अच्छी। अच्छा, जो जिस बीमारी का आप इलाज कर रहे हैं वो बीमारी दोबारा फिर सर उठा सकती है या खत्म हो जाती है? देखें, हम इंसान हैं, सही, हमें खाने पीने से जो प्रॉब्लम हो रही है हम तो वो नहीं रोक रहे, बीमारी क्योर हो गई, ठीक हो गई, फिर हमने वही चीज़ें शुरू कर दी, खाना पीना शुरू कर दिया तो पता फिर वो प्रॉब्लम शुरू हो गई। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जैसे अब मिसाल के ब्लड प्रेशर है, वो तो ख़त्म नहीं हो सकता ना, वो आपके इमोशन, आपके टेंशन, ये सब चीज़ों से रिलेटेड है, उसमें एक पॉइंट्स लगा के रखेंगे तो वो नॉर्मल रहेगा। अच्छा सर, आज जो है वो हाइपरटेंशन डे भी है, हाई ब्लड प्रेशर डे भी है। अच्छा, तो सर उस पर जो है वो मतलब हमारे यहाँ जो डेथ रेशो है वो इसी वजह से ज़्यादा इंक्रीज हो रही है और इसकी वजह से ही जो है हमारे यहाँ कार्डियोवास्कुलर भी डिजीज़ होती है, मेजर कोज जो ये होता है, तो सर वो कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं? देखिए, उसमें तरीका ये होता है कि यही जैसे आपको मैंने ये कलर्स लगाए हैं इसी तरह का होते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि जो हमारी जो राइट हैंड साइड की स्मॉल फिंगर है, इस फिंगर पे इसी जगह पे, जैसे मैंने आपको, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर तो है, मैंने कहा चूँकि आपको लगाऊंगा तो आपको लो हो जाएगा अभी तो इसलिए मैं आपको, जिसका अगर ब्लड प्रेशर हाई है तो मैं उसको लगा सकता हूँ। किसका हाई रहता है, किसी का यहाँ हाई ब्लड प्रेशर किसका रहता है जी? आ जाएगा अगर कोई है तो, जिसका ब्लड प्रेशर हाई है वो आ सकता है भाई। आ जाएं सजाद, आप आ जाएं, सजाद आ जाएं भाई। और इनको शायद नी पेन भी भाई दूसरा लगा दें, सजाद कैमरामैन हमारा साथी यहां पर आ रहा है जी, इनको ऐसा जी के डस्टस नजर नहीं होने की वजह से आईंदा हूं। वाह वाह, सजाद चौधरी माशाल्लाह यहां पर ही बहुत पेशेंट है, सीट जो है वो खाली ना थी अड़ी। अच्छो अच्छो, ये नहीं अच्छी वो आपको मेरे ख्याल में बता रहे थे कि इनको पेन का भी इशू था, जरा बताइए क्या मसला है? एक्सीडेंट हुआ था 6 साल पहले, तो घुटने में दर्द होता है, छः साल पहले का हाँ हाँ। सीधा करता हूँ तो बहुत दर्द होता है, मैंने काफ़ी चलना पड़ता है। सही, और थोड़ा सा घुटने में इन्फेक्शन है जी जी, और सर दर्द और ब्लड प्रेशर का मरीज। ठीक है, तो बहुत सारे मर्ज हो गए डॉक्टर साहब। नहीं, मैं अभी एक दो का कर दूंगा, एक तो ये है कि
ये चश्मा इसने इसलिए पहना है कि आंखों का मसला भी है इसका। अच्छा अच्छा ये देखिए एडा मसला तो ये कम क्यों करे तुम यार मान यार तुम पजी पंजाब मसला बता रही तो नहीं भी माशाल्लाह शाबाश आ तो के शाबाश आ तो के तू जो है कम करे तो बबे वाह वाह सैन सजाद तो असा जो कैमरामैन दोस्त सा सजाद भी चनू आजाद जो अभी कुछ दिन पहले वो एक वो था पीटीवी में प्रोग्राम था उसके भी कैमरामैन को के साथ यही था नी पेन। असल में लगता है कैमरामैन को नी पेन का बड़ा मसला होता है। अच्छा क्योंकि ये खड़े रहते हैं ना डॉक्टर ये हां कंटीन्यूअसली खड़े रहते हैं बेचारे। तो आज मन रात तो के सुकून फरत मिल लो ही डॉक्टर साहब माना दुनिया रंगीन तो कर छे जिंदगी जीवन में रंग भरे तो। अच्छा रंगीन से याद आया कि ये होता है ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कलर ब्लाइंडनेस होती है सही हाँ। जो उनमें भी ऐसा ही हूँ उनको जो है ना ब्लैक और व्हाइट के सिवा कुछ समझ में नहीं आता तो उनको कोई रंग नहीं नजर आते बस ये एक दो रंग होते हैं तो वो भी उनके कलर ब्लाइंडनेस खत्म हो जाती है बाई बर्थ भी। अच्छा, तो भी सही हो जाता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। सही। और सर आप जो है वो प्रेगनेंसी का भी कुछ बता रहे थे। हाँ उसमें ये होता है कि इजी डिलीवरी का बता रहे थे। इजी डिलीवरी ये तो मतलब ऐसा है कि कोई मुझे हॉस्पिटल वाले क्लिनिक वाले जो है ना पकड़ ना ले क्या कराना शुरू कर दिया इन्होंने रोजी पिलात मार रहा है क्योंकि आजकल ये बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। आपको पता है कि पहले जमाने में कि हमने कभी भी नहीं सुनते थे कि कोई जाना हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो रहा है सब घरों में हो रही होती थी। अभी पूरा एक बिजनेस बन गया है। इसमें ये होता है कि कलर से कुछ पॉइंट होते हैं जो कि हमारे पाँव में लगते हैं और एक थेरेपी भी होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो उससे क्या होता है कि ईजी और नॉर्मल डिलीवरी होती है। अच्छा ओके मैं इनको ज़रा कर दूँ फिर मैं आपको वो समझा बताता हूँ। ये देखें ये मैंने एक तो इनके दोनों चीज़ें साथ ही कर देता हूँ। सही ये इनके मैंने लगा दिए नी पेन के लिए और इसके लिए मैं आपको आप ये वाला देखिए राइट हैंड सजा जा तो बड़ी रंगीन थी। देखें ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हाई बीपी वाले लोग होते हैं ये राइट स्मॉल फिंगर में सीधे हाथ के स्मॉल फिंगर पे इसी जगह पे ये पर्पल कलर होता है ये यहाँ पे लगा लें। अच्छा ठीक है इसके अलावा लेफ्ट स्मॉल फिंगर पे इसी यहाँ पे आप स्काई ब्लू कलर लगा लें। सही और बड़े वाह इसके अलावा ये पिंक कलर जो है ना ये मिडिल फिंगर पे जो बड़ी वाली उंगली होती है यहाँ पे आप पिंक कलर लगा दें। ये ऐसे इफ़ेक्ट करती है कि आपका अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई बीपी हो अच्छा। लगाएं इमीडिएटली दो मिनट में इट कूल डाउन हो जाएगा। अच्छा जबरदस्त और ये लगा के रखेंगे तो सही ये तो महसूस करें दो ना गुलाब। अब आप थोड़ा आप चल के देखें आपके घुटनों के पेन में कैसा फर्क महसूस कर रहे हैं उठ के जब इसको टेढ़ा करके बैठता हूं ना बैठे देर देखें जरा कुछ कैसा लग रहा है न्यू करके दो तीन मिनट बैठता हूं उसके बाद जब सीधा करता हूं तो घूमना मुश्किल हो जाता है। अच्छा वैसे चलने वलने में नहीं होता दबा के देखें दबा के तो नहीं हो कुछ भी नहीं वैसे बैठने के बाद जब सबसे पहले तो ये बताएं कि यूं बैठते क्यों हैं आप ये तो पेट नहीं घूमी तरीका। अच्छा नमाज ठीक है अच्छा नमाज के लिए ठीक है मैंने कहा ऐसे क्यों बैठते हैं भैया ठीक है। तो ये जो मैंने ये बताया पीछे पे ये इसके लिए हाई बीपी के लिए और अगर किसी को लो बीपी होता है तो उसके अंदर ये करें कि ये जो आपका ये मिडिल फिंगर ये लेफ्ट हैंड साइड के ये जो मिडिल फिंगर ये वाली यहाँ पे रेड कलर लगाएं ठीक है और लेफ्ट हैंड साइड की जो इंडेक्स फिंगर है इस जगह पे स्काई ब्लू कलर लगाएं। अच्छा ठीक है ये दो कलर लगाएं और इसके अलावा बस ये दो कलर लगाएंगे और हाँ। सॉरी ये अगर इस वाले स्मॉल फिंगर पे आप डार्क ब्लू कलर लगाएं। अच्छा मतलब तीनों फिंगर्स पे हाँ तो ये इस स्मॉल फिंगर पे और यहाँ पे इंडेक्स फिंगर पे यहाँ पे आप लगेगा स्काई ब्लू ओके ठीक है यहाँ पे लगेगा रेड ओके और यहाँ पे डार्क ब्लू। अच्छा उस हैंड की इस हैंड की राइट हैंड साइड की स्मॉल फिंगर ब्लू इससे क्या होगा जिनके ब्लड प्रेशर लो होता है वो मोहम्मद शफी आए न कलंदर अली है बाहर अमीर
समंदर विचू कढ दीती इश्क तली है पारा मीक समंदर विचू कढ दीती इश्क तली है वो अंदर बाहर है नया नी रूही रंज रली है अला सजन तेनु वेख सजन सिक लहांदी नहीं एक थक जा
सिक जी गाल हुई भली गाल हुई सिक माना सरापा सूर आ पर अलाव करे सिक पूरी थे पर के वरी सजन एड़ा हुंदा इन बैठा हुंदा इन कलाम में जिक्र हो तो पोबे ड्रव न थिंदो आ दिसण में सिक पोबे खत्म न थिंदी आ तांग तलब उई हुंदी आ बरा लेते वठो दा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक मोटी चऊं ता कचहरी कंदा सी दिसंदा रहजो सलाम सिम मुंजे सिंह के सलाम सलाम सिम मुंजे सिंह के सलाम सलाम सिम सलाम सिंध में एक बार वरी तां के भलीकार चऊं था अजकल जी तां जदीद ट्रीटमेंट दिसो था उनन में ही एकड़ी जबरदस्त गाल नई गाल जका असने सामू पे आई है त रंगन सा इलाज थे थू मानन जो केड़ो भी मर्ज हो जे का भी जकरे तां के तकलीफ आए को सूर आए को दर्द आए त उन जो इलाज रंगन सा मुमकिन थी सके थू डॉक्टर साहब सा गडा है सो कलर एक्सपर्ट भी आए ए कलर जो डॉक्टर भी आए कलर फिजियोथेरेपी करे तो अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये फिर आपसे कोई सवाल करे से पहले मैं एक सवाल करना चाहता हूं आप खुद बीमार होते हैं जी जी तो क्या यही कलर से इलाज करते हैं जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको एक जबरदस्त बात बताऊंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से ज्यादा हो गए सही यानी कि मुझे याद नहीं पड़ता मेरी फैमिली में कभी भी कोई डॉक्टर के पास गया अच्छा, हो या कोई मेडिसिन मतलब लिया पूरी मतलब अच्छा, पूरी फैमिली यानी कि मेरे बच्चे फैमिली पूरी यानी कि कोई भी मौसम चेंज हुआ या कुछ भी ऐसा हुआ तो हमें याद नहीं कि हमने कोई मेडिसिन लिया हो या किसी डॉक्टर के पास गए हो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से मेडिसिन ही नहीं होंगी मेडिसिन है ही नहीं और हम जो है ना कहीं जाते भी है तो मेरी वाइफ के जो पर्स में ना कलर्स होते हैं और किसी जगह पे भी हो हर तरह की ट्रीटमेंट है तो कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती इवन के एक और इसके साथ साथ मैं आपको बात बताऊं कि मैं कोविड के ज़माने में मैंने जो है ना ये कोविड की प्रिवेंशन मैंने बहुत से लोगों की दी थी अच्छा। कि वो लगाएंगे तो आपको इंशाल्लाह जो है ना ये कोविड नहीं होगा तो उसमें जिन लोगों ने भी मेरे दोस्त रिश्तेदार जिन लोगों ने भी इसको सीरियस लेके पॉइंट्स लगाए अल्हम्दुलिल्लाह किसी एक को भी किसी भी एज के हों किसी एक को अच्छा। भी कोविड नहीं हुआ इवन कि मैंने खुद बगैर मास्क के बगैर ग्लव्स के 4 कोविड के पेशेंट को ट्रीटमेंट किया विद इन 3 डेज वो ठीक हो गए अच्छा। और मुझे और उनके घर को प्रिवेंशन दी किसी को नहीं हुआ सही, सही। तो वो सिर्फ कोविड नहीं किसी किस्म के वायरल इन्फेक्शन नहीं लगते अगर आप वो पॉइंट्स लगा के रखेंगे तो कोई भी इन्फेक्शन तो जाते हैं कहीं पर तो लोग पूछते होंगे इतने सारे कलर्स क्यों लगा के रखे हां पूछते हैं तो ठीक है कोई तो मानू इंदा दरवाजे पे पोलियो वाला इंदा नु इनन जणना थोड़ो कलर ये वाला रंग बिरंगी थी वो ही केड़ी केड़ा टुकाना आया था सही असल में मुझे तो होता तो मुझे तो मजा आता बताने में लेकिन बहुत से लोग थोड़ा हेजिटेट करते हैं अभी हम जाएंगे तो हमसे भी पूछेंगे भाई ये क्या क्या लगा हुआ है क्यों लगा हुआ है तो करते हैं लेकिन ये कि बहुत से लोग जो है ना ऐसा फिर ये करते हैं घर में होते तब लगाते हैं ये वो ना बाहर जाते हैं ऑफिस में नहीं लगाते लेकिन ये कि से लोग लगाते भी हैं सही सही तो अच्छा सर आप जो है वो जैसे बताया कि ज़हनी सुकून और इमोशनली जो बंदा सैड हो जाता है क्योंकि आजकल मैं ये कह सकती हूँ कि हर दूसरा बंदा जो है वो डिप्रेशन में है तो ये कैसे चीज़ ख़त्म हो सकती है देखें डिप्रेशन हो एंजाइटी हो रही हो या पेल्पिटेशन हो इसके अलावा ये कुछ सैडनेस हो कुछ होता है कि किसी की डेथ हो गई फैमिली में तो वो उस चीज़ को भूल नहीं पाता या भूल नहीं पाती इस तरह से कंडीशन होती है वो बहुत अरसे से उसको सदमा लेके किसी के वालदा एक बड़ी हस्ती होती है वालिद वालदा उनका इंतकाल हो जाए तो कुछ लोग उसको बहुत ज़्यादा इमोशनली हो जाते हैं सारे काम छोड़ के सैड हो जाते हैं उनसे उनको बीमारियां भी बहुत होती हैं अच्छा। तो वो सैडनेस जो होती है जो चीज़ें उनको याद हैं जहन में वो चीज़ें भूल नहीं पा रहे वो भी क्लियर हो जाती हैं माइंड से बिल्कुल क्लीन हो जाती हैं मतलब ये नहीं कि भूल जाते हैं कि सब कुछ लेकिन ये कि उनको जो है ना ब्लर हो जाता है वो चीज़ें जो अल्लाह होता है सब्र दे देता है उनको वो चीज़ें जो इमोशनली हो रहे थे सही हो जाते हैं इसके अलावा एंजाइटी डिप्रेशन ये तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी विद इन 1-2-3 डेज रिजल्ट आने लग जाता है ये नहीं कि बिल्कुल ठीक हो जाता है कुछ दिनों में बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं और जब भी हो वो कलर लगा लिया करें तो ठीक रहते हैं तो सारी प्रॉब्लम इंशाल्लाह कॉम का क्या सीन है आपने मंगवाई है अच्छा ये मैंने इसलिए मंगाई कि अभी थोड़ा उस ये बात करी थोड़े से पहले प्रेगनेंसी के हवाले से तो उसमें ये होता है कि एक तो तरीका ये होता है कि कलर थेरेपी से अब ये कि आपका प्रोग्राम गाँव में हर जगह देखा जा रहा होगा अब हर जगह तो मेरे पास लोग आ नहीं सकते या कलर्स में बता नहीं सकता तो ये एक ऐसी चीज़ है हर घर में प्रेगनेंसी का सिलसिला तो होता ही है एक तो तरीका ये होता है कि हम कलर्स लगाते हैं जो कि पाँव में मुख्तलिफ पॉइंट्स लगते हैं तो उससे क्या होता है कि प्रेगनेंसी बिल्कुल इजी नॉर्मल डिलीवरी होती है अच्छा। बल्कि ऐसी होती है कि जैसे अगर आप घर से आपकी टाइम डेट आ गई है आप घर से हॉस्पिटल जा रहे हैं तो हम तो ये भी नहीं बोलते कि घर से लगा के जाएं अच्छा। तो ऐसा नहीं हो कि रास्ते में गाड़ी में डिलीवरी ना हो जाए अच्छा, इतना अच्छा। फास्ट इसका होता है अच्छा। तो हॉस्पिटल में जाके लेबर रूम में जब जा रहे होते हैं उस वक्त पाँव में वो कलर्स लगा लें तो बिल्कुल सिंपल ईजी
नॉर्मल डिलीवरी होगी, ऐसा अच्छा। भी होता है जैसे समझे कि आपने छींक मारी और डिलीवरी होगी, अच्छा इतना इजी होता है। लेकिन ये कलर्स हर जगह नहीं पहुंच सकते, हर को हम पैटर्न अभी नहीं दे सकते ऐसे, उसके लिए मैं एक थेरेपी बता दे रहा हूँ जो सेम 50-70% यही इफेक्ट करता है। अच्छा, अच्छा। उसमें ये करें कि जब डिलीवरी की टाइम और डेट आ गया हो उस टाइम क्या करें, जब हॉस्पिटल जाने हैं या हॉस्पिटल में ऑलरेडी जा चुके हैं तो ये जो हमारे जैसे हाथ में थंब है, पाँव पे जो टो होता है, जो बिग टो जो सबसे बड़ा टो होता है, उसके ये जो जहाँ पे ये जैसे नाखून है, ये मैं बता रहा हूँ हाथ पे बता रहा हूँ लेकिन ये पाँव पे करना है। अच्छा। पाँव के बिग टो में अच्छा। इस जगह पे ये इस जगह पे ऐसे इसको ऐसे ऐसे प्रेशर देना है, दबा के थेरेपी करना है। अच्छा, दोनों अच्छा। दोनों पाँव के बड़े वाले अंगूठे को करना है, सही सही, और उसके बराबर में अंगूठे के बराबर वाली जो उंगली होती है उसके उस फिंगर पे भी यूं इस जॉइंट के ऊपर नेल के पास ये इसको थोड़ा सा प्रेशर देना है जोर जोर से दोनों पाँव में, दोनों थंब पे और उसके थंब के बराबर होंगे। एक तो ये करना है, दूसरी चीज़ क्या करना है कि जिस वक्त वो लेबर पेन हो शुरू हो जाता है तो उसके बाद क्या करें कि इस कॉम को ये जो हाथ की जो नीचे के जॉइंट है ये इस जगह पे, इस जगह पे इसके नोक को यूँ रखें और ऊपर से दोनों हाथ में दो कॉम पकड़ लें, इस बिल्कुल यहाँ पे रखें और इसको ऐसे दबाएं दोनों हाथ पे, अच्छा जितना तेज़ दबा सकते हैं। अच्छा, तो उससे क्या होता है कि वो जगह पूरी ऊपर खुल जाती है और इजी अच्छा। फॉरन डिलीवरी जाती है, अच्छा नॉर्मल होती है विद और पेन भी नहीं होता। अच्छा, जबरदस्त। तो ये पाँव में थेरेपी करें और इस तरह से करें तो फिर मेरे ख्याल में तो हॉस्पिटल भी जाने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन आजकल मजबूरी जाना पड़ेगा अगर किसी हॉस्पिटल के एमएस ने देख लिया ना प्रोग्राम। हाँ, तो तो कहेंगे भाई इतनी नॉर्मल डिलीवरी करा रहे हैं आप, ये बड़ी बात हो गई। तो जो अजकल असान जके डिलीवरी थन पे वो ऑपरेशन या मतलब क्रिटिकल होती है डिलीवरी, तो ये बहुत ही आसान तरीका आपने तो बताया है। सारा कुछ सिखा रहे हैं लोगों को, कोई स्टूडेंट्स भी हैं जी अभी, मेरा है प्रोग्राम इसको सिखाने के लिए कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट या आप चाह रहे हैं कि मैं ही हूं बस कराची में, एक ही बंदा होना चाहिए। नहीं, मैं एक्चुअली एक बैच तैयार कर रहा हूं अभी, मैं बहुत से लोगों के मैंने नाम लिस्टिंग की है, मैं तकरीबन कोई 40-50 लोगों का एक साथ एक बैच स्टार्ट करूंगा, दो सेशन करूंगा। मेरा नाम लिख लीजिएगा उसमें। जरूर जरूर इंशाल्लाह। तो एक तो ये है कि जो वहाँ पे मेरे पास आके ट्रेनिंग लेंगे, एक ऑनलाइन भी मैं करूंगा। अच्छा। जो है ना आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी करते हैं? ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी करता हूँ, ऑनलाइन सिखाने के लिए भी मैं एक बैच बना रहा हूँ लोगों का बन जाए, जो जूम मीटिंग के जरिए से हम उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि लोग भी हैं हर जगह पे इसको इम्प्लीमेंट करें और इसको अवेयरनेस आए लोगों को, क्योंकि लोग अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है कि इस प्रोग्राम के थ्रू जो है ना बहुत से लोगों का अवेयरनेस आई है, वरना पहले तो बिलीव भी नहीं करते थे और डर जाते थे कि यार कि ये जादू कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, मैंने देखा कि एक तो आपने हमारी उंगलियों पे ये डॉट्स लगाए, लेकिन एक दोस्त की उंगली पे ऊपर से आपने मतलब एरो बना लिया था, वो क्या सीन था? वो एक्चुअली था कि उनको ना तीर का निशान लगा दिया। हाँ, वो तीर का निशान बना दिया था, वो बेसिकली उनके लोअर बैक पेन। मैंने कहा शायद पीपल्स पार्टी में शमूलियत की है, पीपल्स पार्टी के तीर बना दिया। तो वो उससे क्या हुआ, तीर ने बहुत तेज असर किया। अच्छा। तो वो तीर सीधा लगा। हाँ, तीर जाके डायरेक्ट उनको लगाया और वो जो लोअर बैक पेन था वो झुक नहीं पा रहे थे, मेरे ख्याल में उनके पांव जमीन तक लगने लग गए, हाथ जो ना जमीन तक लगा रहे हैं। अभी आपके कैमरा में नहीं, कौन है? सही सही, हां सही सही, सही बात है। आसान सिंगर के बीच को हो ता के केड़ी तकलीफ अच्छा मसलो आ बुदा फ्री में ला जा और डॉक्टर साहब और क्लिनिक ते ₹1000 उठवा कमर में जी सट निकली है। अच्छा, ऐसी सड़ निकली जैसे बंदूक ठाका करे। हाँ। इस तरह। तो मैं बैठ गया जी। फिर एक महीना पूरा मैं 2 महीने 4 पे भी पड़ा रहा जी, यानी उठ नहीं सकता था, घूम नहीं सकता था। सही। 2 महीने के बाद फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता घूमना शुरू हो गया। सही। तेल लगाया, माटे दिलाए, आड़ दिलाई, सारा कुछ किया, बड़े बड़े लोगों से जो नाम नस को पकड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सारा कुछ किया, लेकिन दर्द नहीं गया। ममताज भुटियारी क्लिप आई हुई उनमें कभी गाल हुई, पर हाँ सूरत ओढ़ी आए तो हाँ इन सट के उर्दू में जा चाहूँ कमर में सट निकली। डॉक्टर समझ रहे हैं ना बात अभी जी? तो गोलियां भी खाई, वक्ती तौर पे दर्द कम हो गया, फिर वही दर्द, अभी तक वही दर्द है, दर्द छोड़ नहीं रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके जो हाथ की हथेली या पाँव के जो नीचे तलवे होते हैं वो ठंडे रहते हैं, गर्म रहते हैं या नॉर्मल रहते हैं? पाँव में गर्मी नहीं है, पाँव के नीचे गर्मी नहीं, 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 नहीं। अच्छा ठीक है। इसके अलावा ये है कि आपके सिर्फ लोअर पीछे बैक में पेन होता है या किसी एक पाँव पे भी आता है? पुठियां चेल वगैरह में हितां खाप में थे तो या सिर्फ बैक पे ही वहाँ से लेके फिर ये नस जा रही है ना, ये पूरे से दर्द होता है, एक पाँव में होता है। अच्छा, क्योंकि इस तरह के जो पेन होते हैं ना उसको शर्टिका
पेन बोलते हैं अर्कोनिसा। अच्छा। तो वो भी पॉसिबल है, हो सकता है, जिसको हम बता रहे हैं कि वो पेन जो है ना इस तरह से आता है। आप इधर आइए, मैं ऐसा जोर से कुछ हुआ है, माइक है मुझे, माइक है मुझे, लेके आ रहे हैं, याद था मेरे को शुरू। हां, कभी कभी इस साइड पे भी उसका असर आता है। हाँ हाँ, ठीक है, वो लेफ्ट हैंड दिखाइएगा। वाह वाह, अॼु ताईं जेको बि हिते आहे मरीज़ असांजे स्टूडियो में, उन्हनि जो इलाजु थिए पियो। हाणे तव्हां रंगनि सां जेको आहे सो इलाजु कहां पे थिए पियो, इहो इलाजु जारी उसारी रहंदो। पाण जेको आहे हाणे रागी बि असांजे हिते फासाए छॾियोसीं, न त कलाम ॿुधूं हा, प्रोग्राम वाइंड अप कयूं हा। वाह वाह, अरे तूं ॻाईंदे वला। वाह वाह, माइक पाण ॾियो वरी, पता हाणे हिन जो वारो ख़तमु था कयूं। इहो इहो इलाजु कंदड़ कराए पाण वाइंड अप था कयूं। चिने डॉक्टर साहब, ये आपको मतलब इसको ट्रीट करना है, प्रोग्राम का टाइम भी थोड़ा नहीं खत्म हुआ चाहता है। सही, आपका सही। बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम देखा, लेकिन आप अपने काम में आप काम करते रहे, बड़ी मेहरबानी था फनकार। आखिरी कलाम तो जो इलाज कटिजी हो, इलाज न कराया तो कलाम तू गाया। सुबह अदा फनकार वही, तुम नालो चाहिए मास्टर महेंद्रे बादल लाई, बड़ी मेहरबानी अदा मोहम्मद अली, बड़ी मेहरबानी अदा तुम्हारी, बड़ी मेहरबानी तक असा प्रोग्राम डिठो पे अस इंशाला माना सेहतयाब थी आऊँ सु वरी तक रिपोर्ट डींदी इन कलर्स जो इनके निंड आई तो बुधाई हथ मुझे थोड़ो मत थे तो फुल मत न थे सुबह तक बई हथ मत कर इंशाला बखेर सुबह वरी मिलूँ था इर्शाद जागीरणी मेरे अली कित तेरे सना, कित मेरे अली कित तेरे सना, गुस्ताख अखियां कित जा लड़ियां, कित मेरे अली कित तेरे सना, कित मेरे अली कित तेरे सना। अज सिक मित्रां दी बदेरी है, 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 क्यों दिलड़ी उदास घने
मुख चंद्र बदर शाह सानी है, मुख चंद्र बदर शाह सानी है। मुख चंद्र बदर शाह सानी सूरत नू में जाना खां, इस सूरत नू में जाना खां, दू जानक जाने जाना खां, दू जानक जाने जाना खां, सच आखा तेरा बिदी शाना खां, सच आखा तेरा बिदी शाना खां, जित शाना तू शाना शाना तू शाना सब बढ़िया, कित मेरे अली कित तेरी सना।